देख रहे हो रवि भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट सर। किक किक एंड मुझे कभी अच्छे भी से याद है जॉन्टी भाई के स्ट्रगलिंग डेज। जिनको नहीं पता, ये बंदा भाई 48 घंटे तक, मेरे को एक दिन याद है, बैठे हुए हैं सिर्फ बगल में एक वो आई थिंक 2.5 लीटर की वो कोका कोला पड़ी रहती थी। हाँ 2.5 लीटर की कोका कोला। पहला दिन। और हाँ, कम मैंने 60 घंटे लगातार रैंक पुश किया, 60 घंटे। जॉन्टी भाई का लेजेंडरी वो ब्लू कलर का हेडफोन वाह वो मस्त कमरा। ठीक है, पूछा जॉन्टी भाई क्या करो, गेम खेल रहा हूँ। फिर मैं पूछा क्या कर रहे हो, गेम खेल रहा हूँ। मैं कहा भाई कमाल है भाई, धीरे धीरे सोते कब सबसे हो। जान पहचान हुई, धीरे धीरे हुई, फिर रॉकी भाई से जान पहचान हुई। मजा आ गया यार भाई। आप जिस दिन आप कोई स्पोर्ट प्लेयर बनोगे ना, आपकी भी एक ऐसी लाइफ स्टोरी होगी जिसको आप सुनाओगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं सबसे पहला पर्सन होना चाहता हूँ कि आप मुझे सुनाओ वो स्टोरी जिस दिन आप वो बनोगे। थैंक यू रिप्लाई देने के लिए। अरे एसके एसके भाई यार, मैं क्यों नहीं रिप्लाई दूंगा। आगे क्या सब ओके जियान है ना इधर, जियान भी है, एमजे भी ओके है, जॉन्टी भाई, ये सब। पहले तो परिचय दे देता हूँ। जी हाँ गाइस, स्वागत है आप सबका, गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। और आज कुछ नया करेंगे, हमने पहले ही कहा था कि कसौटी पे हर किसी को गुजरना पड़ेगा। जॉन्टी भाई आज कसौटी से एथलीटों को नहीं, आज यूट्यूबरों को गुजरना है। नॉर्मली एथलीट खेलते हैं, यूट्यूबर्स उनको देखते हैं और अपने साथ खिलाना लग जाते हैं, आम बात है। लेकिन आज हमारे साथ बैठे हैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है वी डोंट गिव अ डैम, जियान। और आज जियान बैठ के देखेंगे यूट्यूबर्स का गेम प्ले। तो बेसिकली आज हम भारत में नहीं, आज मैं और जॉन्टी भाई गए हैं पाकिस्तान में। जी हाँ गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पाकिस्तान। और आज इंडिया से मुकाबला करने के लिए गए हैं हमारे 4 प्रोमिनेंट क्रिएटर्स। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी और जॉन्टी भाई की ओर से इंडिया के प्लेयर्स का। यश उनके साथ होंगे, GW मनीष, NXT अरिसुदन और वेजिटा की आईडी से खेलेंगे सुदीप द लेजेंडरी सरकार। और सामने पाकिस्तान के चारों वी बैच के क्रिएटर्स हैं, गुरु टाउडी, मिस्टर अबू आईटी और होंगे फरीहा। जी हाँ गाइस, तो अब जो है बेसिकली मैं बता दूं कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया से भी जो अरी या सुदीप भाई पे तो शायद है, तो अपने भी वी बैच वाले ही गए हैं। आई थिंक मनीष और यश पे नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी अपने भी 2 वी बैच वाले गए हैं। तो ये तो अब क्रिएटर्स का वर्सेस हो गया। तो अब नॉर्मली मैं क्रिएटर्स से पूछता था कि क्या लगता है कौन जीतेगा। आज जियान से पहले शुरुआत करना है जोंडे भाई। जियान क्या लगता है, कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया, किसका पलड़ा भारी लगा? कोर्स इंडिया। अरे नहीं इंडिया नहीं भाई, पेट्रियोटिक वे में नहीं पूछ रहा, नहीं इन कसम जनरल से पूछ भाई, रहा मैं अपना भी बोलता हूँ। अरिसुदन को मैंने देखा है यार, ठीक जी है। अरे बाकी मैं GW मनीष को नहीं देखा है, वेजिटा सुदीप सरकार है, इनको तो मैं जानता हूँ यार, इनको तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, इनकी वजह से आज मैं हूँ। यश वाईटी को भी मैंने देखा है, तो ये दो बंदों को तो मैंने देखा है हाँ। खेलते हुए, ये दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर इसमें क्लास ईएफ में बोलो तो फिर तो 4 चांद हंड्रेड लग हो जाते, जाता। 4 चांद लग लेकिन जाते। हाँ, तीन बंदों को मैंने देखा। GW मनीष का थोड़ा नहीं देखा है मैंने, क्योंकि मैं पीसी इतना नहीं देखता हूँ, आज पहली बार ही पीसी की वो भी कर रहा हूँ, तो मेरे को तो लगता है ऐसे। और पाकिस्तान का मैंने देखा ही नहीं है, बाकी वो देख के पता लगेगा मेरे को। बाकी जियान बता सकता है भाई, मैंने क्योंकि जियान अबू तो को देखा जीता है ही नहीं सर, था। थोड़ा बहुत अबू को देखा है इससे पहले, जब भी जो क्रॉस कंट्री वॉरफेयर होते थे उसमें मैंने अबू को देखा है सिर्फ। बाकी आई एम नॉट अवेयर ऑफ गुरु, डाउडी एंड फरीहा। देखते हैं कि कौन जीत पाएगा। स्टार्टिंग टाइम अभी, रेडी रेडी ऑल, ओके। आई थिंक बेस्ट ऑफ गाइस 3 रहने वाला है, इट विल बी वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। जाहिर सी बात है जॉन्टी भाई क्रिएटर्स है, तो उतना अच्छा मूवमेंट तो होगा नहीं जितने एथलीटों का था, लेकिन कमाल का मुकाबला होगा। देखो, मेरा एंड भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये पीसी प्लेयर्स को देखने का। मैं वैसे भी मोबाइल प्लेयर्स को ही ज्यादा वो देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, जैसे जियान हो गया अभी, ये सब जो ग्राफिक ये सब खेलते हैं। बट पीसी का मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा देखो। नेक्स्ट टाइम अपन वही करवाएंगे। सी ट्रिपल जी का आज मैच है, इस वजह से वो आ नहीं पाई, बट इसके बाद एंग्री वर्सेस गॉडजिला होने ही वाला है। एब्सोल्युटली। एंड जॉन्टी भाई, और एक मेजर रूल अपडेट लास्ट मोमेंट पे हुआ है सर, AWM इज नॉट अलाउड, और हमने एडवांस कस्टम से भी इसको हटा दिया है। ठीक है, अब पता है क्या हुआ, जी अब किलर मेरे को कह रहा है 2v2 या 4v4 किसी से भी करवा दो पाकिस्तान में। अब बताओ मैं क्या करूं, ये बंदा किलर जीने नहीं देगा रे बाबा। नहीं सही है, MJ करवाओ यार, कुछ तो करवाओ। पाकिस्तान से पूछो, अगर कोई 2v2 करना चाहे तो फिर
किलर को मैं बोल दूंगा तो किलर कर लेगा, तो मना नहीं करना चाहता यार। बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदा कभी कभी मेरे को बोलता है सामने से, तो अगर कोई है पाकिस्तान में ऐसा तो मैं किलर और एंग्री को एक टीम में डाल दूंगा, नहीं तो जियान अगर खेलना चाहे तो जियान और किलर किसी को भी डाल के 2v2 करवा दूंगा। ये मैंने ओम हटाई थी, शायद ओम वाई हटी है, नॉर्मल ओम लेके भी शायद प्लेयर खेल रहे हैं, कोई नहीं दोबारा ओम हटा दी जाएगी। ओम वाई और ओम दोनों चीज रहती है भाई साहब, कमाल है यार। अनलिमिटेड रूल्स फॉर अ रीजन, देखते हैं। मैं मनी भाई को गुरु पे, गुरु पे तेज कर रहा डैमेज आई है। हरिसूदन ये बेसिकली वन टैप स्पेशलिस्ट हैं, पीसी वालों को देखने का मजा बड़ा आता है। एक बार फिर से यश भी आगे बढ़ते हो, पाकिस्तान की ओर से भी वहां पे फरीहा ने बड़े जबरदस्त तरीके से यहां पे कमबैक करी। एक बार किलर से बात कर ले, अगर खेल पाएगा तो खिला देता हूं, एक बार किलर से बात कर ले। आधी 100% खेल लेगा सर, मैं बस ये सोच रहा हूँ सामने कौन खेलेगा, वो कोई भी खेले उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या बात है सर, फरीहा क्या खेल रही है, शायद खातून है लेकिन जबरदस्त खेल रही है फरीहा। अरे लाजवाब फरीहा, एक और रेड नंबर, हील करना पड़ेगा शायद फरीहा। नहीं 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 नहीं, गलती कर गई, गलती में रहे। हाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है फरीना खातून। अरे 16 लेवल भाई, 16 लेवल भाई साहब। हरिसूदन मूवमेंट हो गई, हरिसूदन को देखा भाई, हरिसूदन को मैंने बहुत मतलब क्लास में एक टाइम पे। आपको कहां से दिख गया 100 लेवल भाई? मेरे को फरिया का 100 लेवल दिखा है। यहां से आईडी कैसे देखते हैं, मेरे को तो सिर्फ यूआईडी दिख रही है। अच्छा ये पाक की सबसे बड़ी गर्ल क्रिएटर है, मतलब पाक की सोनीटा जैसे पिपोनली जो है, हाँ पाक का रोकी रोकी बाबू है, हाँ जैसे तो पाक की सोनीटा है। हाँ ओके, डाउडी डाउन है लेकिन कहना पड़ेगा जॉन्टी भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खेल रही है फरिया फरिया। अरे यहाँ पे दो डाउन है, पाकिस्तान के दो खिलाड़ी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। प्रेशर फिर से फरिया पे, वाओ फिर से रेड नंबर फरिया, लाजवाब क्या बात है फरिया। दाएं बाएं दोनों तरफ से प्लेयर आ चुके हैं फरिया, दाएं बाएं दोनों तरफ से प्लेयर आ चुके हैं। एक और क्या बात है, नहीं इस बार जोन में शायद जाएंगे। सुदीप सरकार कभी ना माने हार, सुदीप द लेजेंडरी सरकार, ये आपने दिया था ना जी, इसको जी, जी बिल्कुल यार, लेजेंड वर्ड सर, इनको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिनोनिम है, पहला ग्लोबल प्लेयर आई थिंक। हाँ ये तो है, गए थे तो डिजर्व करते हैं, फैन था एक टाइम यार, मैं खुद बोल रहा हूँ। अरे एक बार नहीं बहुत बार जाते थे यार, हर बार दो ही नाम होते थे, एक ये और एक टाइम, और वो उस टाइम ग्लोबल चलता था जो बिल्कुल बिल्कुल, ये सब रीजन का होता था। एक बार फिर से तेज तर्रार मुकाबला शुरू, पाकिस्तान के वी बैच क्रिएटर्स का मुकाबला हो रहा है भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जो कि भारत से भी वी बैच रखते हैं। मनीष डाउन हो गया, चलिए मनीष डाउन है, मनीष भाई भी डाउन, वेजिटा भी कोशिश करते हुए, कुछ भी कहिए सर, मुझे जब तक लग रहा है फरीहा मौजूद है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। जबरदस्त खेल रही है फरीहा, फरीहा ओ भाई क्या बात है भाई, भाई कसम से नजर ना लगे फरीहा, बहुत आला बहुत आला दर्जे की। यहाँ पे अगर आप देखे गेम दिखाती हुई फरीहा, अब आखिरी उम्मीद सिर्फ सुदीप सरकार, लेकिन कोई मौका नहीं, पाकिस्तान के क्रिएटर्स ने यहाँ पे साफ कर दिया है, मुकाबला जो है बिल्कुल आग और बिजली का रहेगा। आर पार की गेमर है भाई, जी 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 सर बिल्कुल 100%। मैं झूठ बोलूंगा, मेरे से भी 1v1 अच्छा खेल गया, वो बात लगा मैं पर कभी-कभी तारीफ करते ही नहीं गाइस। इसका साउंड बढ़ा, मेरा साउंड बढ़ाओ, अच्छा मेरा साउंड बढ़ा देता हूं लो। इंडिया 2-1 से पीछे है, लेकिन इस अगले मैच में हो सकता है कि इंडिया की तरफ से किलर भी खेले, तो लेट्स सी देख लेते हैं। और वेजिटा 20 वन टैप आने वाला है, मुझे लग रहा है वन टैप आने वाला है। बैरल में तो कमाल कंट्रोल देखी है, अरे गाइस वेस्ट तो गई,
नॉर्मल ओम रह गई, वेटिंग फॉर एनजी स्मूथ। स्मूथ का तो मुझे नहीं पता, मैंने भी स्मूथ को खेलते हुए नहीं देखा। मैंने देखा है सिर्फ कई बार। हां हम किलर भाई से बात हो गई, वो नेक्स्ट मैच खेलेगा ठीक है 4v4। ओए 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 लो फिर इंडिया से फिर भाई किलर यार। मैंने बोला ना उसको फर्क नहीं पड़ता है पबजी हो चाहे कोई हो। ओह माय गॉड, तो मारेंगे। इस बार अबू ने भी चिपका दिया हेडशॉट। ओ भाई जॉन्टी भाई, एना ने गंदी पिटाई करनी है जॉन्टी भाई। गंदी पिटाई करनी है, सुदीप और हरी को कुछ लाजवाब करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट मनीष को समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। ठीक है तू बोल, लगा लगा के चढ़ के मार दिया भाई। भाई क्या बात है। आर्ग्यूबली जॉन्टी भाई मैं बहुत एथलीटों को भी देख चुका हूँ, फीमेल एथलीटों को भी कहना पड़ेगा, मैंने शायद शायद अभी देख रहा हूँ शायद अब तक की सबसे बेहतरीन फीमेल प्लेयर, आर्ग्यूबली सबसे बेहतरीन फीमेल प्लेयर अब तक की। सुदीप सरकार एक आखिरी उम्मीद। डाउटी ने कर दिया काम तमाम। फरीहा 7 एलिमिनेशन के साथ MVP है भाई साहब, कह रहे हैं हॉटशॉट से अनस और एक्शन से कराओ 2v2, लग पता जाएगा किलर को। मेरी ओर से पर्सनल रिक्वेस्ट है किलर, अगर पॉसिबल है तो हॉटशॉट की पूरी टीम बुलाओ। ये MJ एक काम करो, पूरी टीम को बुलाओ, पूरी टीम बुलाओ, मेक श्योर अनस और एक्शन खेले। ये भी हो गया किलर, अगर 4v4 है तो किलर पक्का आएगा। आपकी फरमाइश सर आंखों पे जनाब, फिर तो ध्यान भी खेल लेगा एज अ स्नाइपर बिल्कुल, और काफी भी खेल लिया और वो खेल लिया और ले बन गई। लोग कह भी रहे थे 2v2 तो खेल लेगा बिल्कुल। एनी चांस फॉर इंडियन टीम मेकिंग अ कमबैक, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे मैं बोल रहा हूं यार इंडिया का भी कुछ देखो ना कैसे कमबैक आता है। ये देखो अरे तू जब तक जिंदा है ना भाई, अरे तू जब तक मैंने गेम देखा है मेरी जान बहुत मारता है यार। अरे तू जब गेम बदलेगा। ओह फरीहा डाउन, इस बार कमर तोड़ दी पाक टीम की। अबू 3v2 है पर अरे तू जब ये नॉक मिस कर दिया अबू ने, ये नॉक मिस करना महंगा पड़ सकता है अबू। एक बार फिर से राइट हैंड साइड से जंप शॉट है, चिपका दिया। ये नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदीप सरकार है, चलिए बात बन गई, कमबैक हो गया। अनस का ब्रेकअप हुआ है मामू, वो आजकल नहीं खेलेगा सर। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो क्या ही करें अब। ब्रेकअप हो गया हरिसूदन भाई, जब तक ये हरिसूदन बंदा है ना मारेंगे यार। ये बंदा को देखा है सुदीप सरकार भी मैच खेल रहे हैं, सुदीप सरकार को देखते हैं गाइस, सुदीप सरकार के वन टैप के देखेंगे अब। ओम देव तू मिस भाई, 2 ओम पड़ी और मैच खत्म। अगर रिपीट ना हो इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि ओम हटा दीजिए, कोई नहीं ठीक है। मैंने ओम वाई हटाई तो थी पर मुझे लगा कि शायद ओम वाई ही है, नॉर्मल ओम भी है। बढ़िया अबू ने फिर नॉक निकाल दिया और इस बार सुदीप सरकार डाउन हुए। बार सुदीप सरकार फिनिश, डाउडी फिर डाउन, यारी सुदन है जिन्होंने फरीहा को पड़िया चार्ज बस्टर से कमर तोड़ दी। 2v1, ओ मनीष अकेले बचे हैं। फरीहा बड़ा जबरदस्त खेल रही है पर अब तक मनीष का खाता नहीं खुला है। मनीष को ओ माय गॉड, जंटी भाई क्या कहूं लेडी किलर, ओ क्या देखा क्या देखा लेडी किलर लेडी किलर भाई क्या मार रही है फरिया, नजर ना लगे।
मामू ये अनफेयर है, हम नहीं होनी चाहिए। कोकोमो भाई गलती से शायद नॉर्मल ओम रह गए और ओम वाई हट गई, बट बाय दी भाई ओम चाहे तो ये लोग भी ले सकते हैं, पाक टीम भी उठा सकती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही खरीद पाएंगे। इंडो वेस पाकिस्तान इज इन लीड 4-2। मनीष ने ट्रोकन लिया है इस बार, ओम है बढ़िया 150 पड़ी, बढ़िया 150 दिया। अरे सुदीप लाजवाब, डाउडी को किया है फिनिश, बढ़िया। अबू भी गए, यही मौका है, सुदीप के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये नॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवाइव देना पड़ेगा अपने साथी को। अरे यार उसके तीनों रिवाइव हो गए, और फरीहा को हरिसूदन, हरिसूदन और रे 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 हरिसूदन, हरिसूदन काफी इंपॉर्टेंट है। अरे बढ़िया फरिया डाउन है, फरिया डाउन है, ऊपर से जा रहे हैं गुरु, लेकिन बस्टर के सामने चार्ज करना कोई मुझे नहीं लगता अच्छी रणनीति। अबू ये नॉक शायद पासा पलट देगा। हरिसूदन अब तीनों खड़े हो गए हैं जॉन्टी भाई, अबू गुरु और फरिया, हरिसूदन के पास कोई मौका नहीं। 5-2 स्टार्टिंग में चांस था, जब पहला नॉक लिया था शायद तभी हो सकता था यार। हरिसूदन ने तो अपना अच्छा ट्राई किया, अच्छा मारा था यार, मैंने देखा उसने एक दो डाउन तो मेरे सामने दिया, अच्छा मारा था। क्लासिक की टीम ही ठीक थी। अरे यार देखो सबको चांस मिलना चाहिए। नहीं जॉन्टी भाई मैं चाहूंगा आप सबसे पहले इनको ये बताओ कि जब भी कोई खेले ना प्लीज उसकी बात करो, ना कि नहीं इसको बुला लो उसको, इट साउंड्स इंसल्टिंग कि भाई इनको नहीं आता इनकी जगह उनको बुला उनको, भाई वो भी तुम्हारे कंट्री को ही रिप्रेजेंट करने गए हैं, ऐसा मत बोला करो यार। चलता है देखो इसके बाद एक और मैच है, डोंट वरी चिंता मत करो यार, इसके बाद तो किलर भाई भी आ रहे हैं, डोंट वरी यार। हार जीत तो गेम का पार्ट है, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है तो जीतना डिजर्व करती है, इंडिया की टीम अच्छा खेलेगी इंडिया की टीम डिजर्व करती है, उसमें क्या हो गया। वेजिटा ये जाने वाले, अरे सुदीप सरकार बाल बाल बचे हैं इस वक्त इंडिया के पास, मेड टू मेन एडवांटेज। सामने ना एक बंदा है उसका पूरा उसी पे है ध्यान, ले सकते अगर चढ़ के, ये महंगा पड़ेगा जॉन्टी भाई। अरे बच गए हरिसूदन, मनीष अगर थोड़ा होल्ड कर लेना तो उधर से वो प्लेयर आके कवर दे सकते हैं, पर इजी ले सकते हैं, 2v4 की फाइट है। लेकिन अगर मनीष यहां गिर गया और एक बंदा, और नहीं हरिसूदन ने वापस एक बंदे को गिरा दिया, 1v1 है, 4v1 पर आके गए। यश ने क्या शॉट दिया है, बहुत बढ़िया यश, यश वाईटी ओपी, यश वाईटी ने मारा है सीधा हेड, कम ऑन यश, जो कटे ना हरी से वो कटे बिहारी से। पाकिस्तान से पूछना चाहूंगा क्या फरीहा खातून है या जनाब है, जल्दी बताइए। ओ भाई साहब नाइस शॉट ब्रो, यश फीमेल क्रिएटर है ब्रो, ओके भाई फीमेल है ना, ओके हां। अरे सुदीप को डाउन, ये मौका मिल गया, 3v3 है ओ, फिर से मौका मिला। हरिसूदन को क्लोज रेंज उठा लेनी चाहिए पता है इस टाइम पे, अगर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो घुस गए ना, अगर एक्स्ट्रा एक भी नॉक निकला सर, सही कह रहे हैं आप, मैन टू मैन, ओ माय गॉड डाउडी की हालत खराब है, डाउडी की तो हालत खराब है, गाए हरिसूदन NXT का चीता भाई साहब। अनीता जी कह रही है अरीबा बेबी और रो भी रही है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता लड़कियां इतनी भावुक कैसे होती हैं। अच्छा एक के अरीबा कह रही हैं
फरीहा पाक रीजन की क्वीन है। ओके तो आप सब जो लेडीज हैं, आप कहाँ की क्वीन है? भारत की, तो खेलिए ना आगे। जैसे मैं गाइस वन टैप किंग हूँ। मामू डाउडी भाई आपकी तरह पाकिस्तान के टॉप कास्टर हैं। बहुत सारे रॉकी रॉकी मामू हर रीजन में है। रॉकी मामू हर रीजन में है भाई। ये वाला राउंड मेरे ख्याल से गया गया मुझे भी लग रहा है। यश का जाना 150 पड़ा। अनलेस एंड अंटिल मनीष को थोड़ा बेहतर खेलना पड़ेगा सर, क्योंकि खाता नहीं खुला है मनीष का। नहीं 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 नहीं, काम तमाम है सर। इस बार तो हरिसूदन ही गए, मुझे उम्मीद बहुत कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। शॉट है भाई सुदीप, क्या बात है सुदीप द लेजेंडरी। सरकार कभी ना माने हार। अब प्रेशर, बहुत बढ़िया यार। द क्वीन, ओ माय गॉड भाई, वेल ट्राई यार, वेल ट्राई सुदीप भाई, बहुत अच्छा। ये नॉक भी आ ही जाता लगभग लगभग। वेल ट्राइड सुदीप भाई, एंड कूडोज टू फरीहा। मुझे नहीं लगता मैंने इतना अच्छा किसी फीमेल क्रिएटर को खेलते हुए भी देखा है। जोड़ी भाई आपने लास्ट टाइम कब देखा था किसी फीमेल क्रिएटर को इतना जबरदस्त खेलते हुए? पहली बात तो मैंने फीमेल क्रिएटर में एक टीम है थाईलैंड की, उसमें इवोस गर्ल्स वाली में। हाँ याद है, याद है मुझे, उनको उनको भी इनवाइट दिया गया ऑलरेडी। हाँ यार गर्ल्स का भी एक बार वर्सेस करवाना यार, लेकिन वो उनका करवाना जो ई-स्पोर्ट्स में। हाँ ई-स्पोर्ट्स वाली गर्ल्स का करवाना है, क्योंकि आज आज ही मेरे में एक कमेंट हुई थी और मैंने देखा था उनका भाई गेम, या तो स्नाइपर चलाती है भाई वो। मैंने एक इजिप्ट की टीम में बहुत अच्छी लड़कियों को खेलते हुए देखा था, आई थिंक P3 अलायंस नाम था उनकी टीम का, लेकिन ये तो कुछ और ही है। फरीहा तो भाई सही में क्वीन, जो इनको टैग मिला है ना बिल्कुल सही है भाई। ये वाला मैच तो हार गए शुरुआत से ही सर, लग रहा था कि दबदबा पाक टीम का है। जबरदस्त खेलनी है, डिजर्व करती है फरिया। लाजवाब लाजवाब, और शायद एक ही प्लेयर बचा है। हाँ जी सुदीप, एक ही प्लेयर बचे हैं। सुदीप सरकार कोशिश पूरी जान लगा रहे हैं, सुदीप आखिर तक लड़ रहे हैं। अरे भाई क्या बात है सुदीप भाई, इतने प्रेशर सिचुएशन में भी दिमाग काम कर रहा है। एक्सपीरियंस मैटर्स दिखाता है वो चीज, इतने प्रेशर सिचुएशन में भी दिमाग बिल्कुल काम किया उनका कि नहीं सही वक्त नहीं होगा। नहीं इस बार गए, इस बार शायद दो तरफा रश होगी। सुदीप भाई ने यार बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला यार, बहुत बढ़िया गेम खेला, मानना पड़ेगा बंदा खेला ना चाह रहा यार। मुझे कहना पड़ेगा फरीहा, हमेशा आप इंडिया में जब भी खेलना चाहें खुशामदीद, और लाजवाब गेम प्ले। हमने आज तक कभी इंडियन सर्वर में भी खातूनों का गेम प्ले इतना जबरदस्त और आला दर्जे का नहीं देखा है, माशाल्लाह नजर न लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फरीहा, टू गुरु, टू अबू एंड टू डाउडी। पाकिस्तान पहला कस्टम जीतती है गाइस। एक मिनट में फॉर्म भी ढूंढ के ऑफ करता हूं। पर हैशटैग इंडिया कर दो यार, सपोर्ट करो पूरी यार, कोई दिक्कत नहीं है, इशू इतना भी सोचते हैं यार। रॉकी भाई चार बस चार AWM ऑफ। एक मिनट, बस्टर का तो नहीं बोला था, ओम का मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ओम तो मैंने बंद तो की थी यार। ओम गर्ल्स गेमर को बुलाऊंगा मैं, ट्राई करूंगा, ट्राई करना है यार। अबे ये ओम कैसे हो गई? और अब वेस्ट भी वेस्ट लेवल 3 का कर दो और हेलमेट लेवल 2 का। ऑल राइट एक मिनट, इसमें सिर्फ AWM वाई का ऑप्शन आ रहा है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। लाइक करो गाइस, चैनल पे नए सब्सक्राइब करो जल्दी सारे बंदे, बेशर्म मत बना करो मेरी तरह भाई। मैं तो बहुत बेशरम हूँ, तो मेरी तरह बेशरम। और क्या बोला? चार्ज बस्टर, चार्ज बस्टर नीचे कहाँ है? इधर कहाँ है? दोगला जंटी
ये रहा बस्टर बंद। और क्या बोला है? वेस्ट लेवल 3 का दिल वाले, वेस्ट लेवल 3 का चाहिए, 4 का नहीं चाहिए, हेलमेट भी 3 का नहीं चाहिए। ठीक है डन। हाँ डन कर दिया। बादल हूँ, अरे वो सुदीप सरकार नहीं है, वो बादल है। एक मिनट, जॉन्टी भाई कह रहे थे 100 लेवल है फरीहा का। अरे भाई कसम से 100 लेवल है यार, कसम से 100 लेवल है भाई फरीहा का, सही में 100 लेवल का आईडी है। तो सुदीप सरकार इज नॉट द ओनली वन कि जिनका हम बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है इंडिया से। तो सुदीप भाई गए हैं सो गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपीरियंस जो है, नहीं है वो बादल है, वो बोल रहा है सुदीप भाई बोल रहा है कुछ उनका ब्लू स्टैक में इशू हो गया तो उन्होंने बादल को भेज दिया आईडी। ऑल राइट, फिर भी यार बादल बहुत अच्छा खेला, बढ़िया बढ़िया खेला, बढ़िया खेला, बढ़िया खेला। गन स्किन नो ही है, नो है गन स्किन यार, गन स्किन तो बंद है। फिर से देख लूं? नहीं नहीं सही है सही है, लिमिटेड एमो नो, ये देखिए गन एट्रीब्यूट्स नो है। हाँ नो है, नो है, स्टार्ट करो। ठीक है स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 2। पुरगेत्री लगाऊं या बरमुडा? ठीक है एमजे चेंज करेंगे, देख लो आप पुरगेत्री लगा दो या जैसे आपकी मर्जी, आप ऐसा कुछ है नहीं। पुरगेत्री लगाओ, पुरगेत्री लगाते हैं, थोड़ा ऐसा मजा है देखने में। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। तो क्या एनजी बादल अच्छा नहीं खेलता क्या? एनजी बादल अच्छा खेलता भाई, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा खेलते हैं भाई। डाउनलोड नहीं है, एक काम करो। हो गया हो गया हो गया, अभी हो जाएगा। दोनों का पीसी वाले ही हैं दोनों, जिनका डाउनलोड नहीं है। एनजी बादल का नाम सुना है यार मैंने, एनजी में हम कस्टम एक बार खेलने गए थे, इसके बाद किलर का वर्सेस है गाइस, डोंट वरी। आएगा किलर, तू ही है, तू ही है किलर, उसके बाद किलर आएगा, देखो आएगा, आएगा किलर, आएगा किलर पीसी प्लेयर के सामने बिना स्किल्स के, सोचो क्या होगा। परिहा किलर, किलर का पता मैं वो वाला देखना चाहता हूँ जो रॉकी भाई के लाइफ पे डेजर्ट ईगल चलती थी ना उसकी, ओए 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 पट पट, वो वाला किलर। मुझे अभी भी याद है सर, आई थिंक लेट नवंबर की ठंड की रात थी, और आपको याद होगा नेट का दिक्कत था, मैं गया था वहां पे गेमिंग कैफे से लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ इशू हुआ, शायद आइकॉनिक पहाड़ी और तनेजा बैक कर गए, और सामने खड़े थे शायद अपने एसके सबीर बॉस, ठीक है, किलर आया, ठीक है, अकेले बैक टू बैक दो राउंड 1v4 की बात है। अकेले आया 1v4 दो बार, मैं कहा भाई क्या है ये, बोला भी था। स्टार्ट करते हैं भाई, एपिक था वो तो, वो मतलब रोंगटे खड़े दे, ये क्या था M2B अब भाई M2B भी ऑन, वो लोग यूज नहीं करेंगे उसको। हाँ नहीं यार, यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही बोल दो कि उठाना नहीं बस। उनके दो मोबाइल का गाइस चलेगा, देखो तुम, और नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस रेडी हो जाओ, नेक्स्ट में आ रहा है, और उसके साथ शायद तीन और प्लेयर आ रहे हैं। आज किलर खेलेगा पीसी प्लेयर के सामने, देखते हैं किलर क्या कर पाता है। और यहाँ पे अरिसुदन के पास है, शायद SVD वाइड चल रही है इसलिए वॉल के आर पार भी हल्का सा डैमेज आया था जॉन्टी भाई उनको। अरे अलग अलग खेल रहे ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत भी तो लग रहा है मेरे को। चीज एक्सट्रीमली स्मार्ट यार फरीहा, और मजे की बात जॉन्टी भाई मोबाइल प्लेयर है। कौन? फरीहा मोबाइल प्लेयर है? हाँ जी हाँ जी। अबे भाई मैंने आज तक कभी किसी लड़की को इतना अच्छा नहीं खेलते देखा आज तक, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा कभी किसी मोबाइल प्लेयर लड़की को इतना अच्छा खेलते, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भारतीय टीम ने बखिया ही उधेड़ दी। फॉर्म में आ चुका है गाइस, एनजी बादल फॉर्म में आ चुका है, अब देखो तुम ये एनजी बादल है एमजे भाई, मेरे को तो सही बोला है एनजी बादल है ये गाइस। अगर एनजी बादल है तो भाई ये तो बहुत खूंखार प्लेयर है भाई, मूवमेंट तो इसके बिल्कुल जेब में रहती है, रीजन टॉप करती है वो तभी टॉप 100 में। अच्छा 100 लेवल मतलब, ओके हमारे यहाँ पे भी TFT की एक e-sport टीम हुआ करती थी पहले, याद है मुझे, है ना? हम्म,
भाई अरे सुजन को डाउन करके अगली ने नेट लिए क्या? नहीं नहीं ओपन में डाउन हुआ दैट्स अ वेरी शिट वुड पैकर का हेडशॉट है बढ़िया यश वाईटी लाजवाब मुकाबला चलता हुआ पाकिस्तान की यश वाईटी को पकड़ता है फीमेल क्रिएटर मल्टीपल टाइम ग्लोबल टॉप फरीहा ने बड़ा जबरदस्त प्रेशर बना के रखा है इस बार हेड नहीं लगा राइट हैंड साइड से फरीहा पे फिर डैमेज फिर से फरीहा ने एक हेडशॉट बहुत ही कम डिस्टेंस से जो है मिस करते हुए क्या बात है फरीहा ये बहुत तेज है फंस गई है लेकिन फरीहा इस बार अच्छी चाल वहां पे यश की यश बहुत बढ़िया खेल रहे हैं जॉन्टी भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं जान लगा रहे हैं बिल्कुल जान लगा रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया मेहनत रंग लाई फरिया भी गई भाई इस बार तो भाई भारत के क्रिएटर्स ने बैंड बजा दी भाई यश क्या बात है यश बादल के चार यश के तीन अरिसुदन का एक जीडब्ल्यू जीरो सामने वालों का भी एक ही किला है अनीता जी कह रही है किलर को ऐसे वन टैप मारूंगी कि फैन हो जाएगा मेरा लड़कियों का फैन ही रहता ये क्या कह रही लड़कियों को ऑलवेज क्या था कभी बंदी बना मैं भाई मैं यूएसपी से खेलूंगा आप डेजर्ट से खेलूंगा मनीष भाई इसको ले लो बढ़िया मनीष भाई ने मनीष को हमेशा अकेले पकड़ लेते हैं अरे क्या दिया है भाई डाउडी को भी पड़ी है डाउडी भी डाउन है मनीष भी डाउन है मनीष का किल सिक्योर हो गया और अनफॉर्चुनेट अरे अरिसुदन भाई ये बंदा खेल रहा है जॉन्टी भाई अरिसुदन और बादल इन दोनों ने मिलकर बहुत जबरदस्त खेला है और अब फरीहा पूरी कोशिश करती हुई क्या बात है जॉन्टी भाई क्या तो ग्लू लगा रही है डाउडी डाउन है आप 1v3 शायद गेम खत्म नहीं 1v2 एक भी नॉक अगर एक्स्ट्रा गलती से निकाल दिया फरीहा ने और एचपी आधी भी बच गई तब भी मैं समझता हूं नहीं यश 3-0 इस बार तो भारतीय क्रिएटर्स ने बैंड बजा दी इस बार तो भाई कमबैक है ये इस बार तो बैंड बजा दी भाई अरिबा भी कह रही अनीता इनको गर्ल्स के बारे में अभी पता नहीं है सही में नहीं पता मैं और जॉन्टी भाई दोनों कवर हैं जॉन्टी भाई भगवान तेरे को क्यों भेजा धरती पे क्या फायदा मिलियन मिलियन में फॉलोअर होने का अरे गुरु टाउन बहुत जबरदस्त ऐसे कैसे सामने से भाई मनीष को पड़ी अच्छी खासी बहुत बढ़िया ये लॉक चाहिए ये लॉक मिल जाएगा फरीहा को डाउन किया है बहुत बढ़िया बादल ये राउंड भी भारत का ना यश रश मारेगा काम तमाम करेगा 4-0 भाई साहब आज की पूरी भरपाई बस कर जा रहो कि भाई अरे मैं क्या बस कर जाऊं सही बोल रहा हूँ इस बार चार राउंड में फरिया का खाता नहीं खुला स्मूथ को मैंने देखा है स्मूथ 444 यार उसकी लाइफ पे खेलता है ना एनजी भाई की पता है लेकिन मैंने उसको ऐसे नहीं देखा है कि कभी लाइव हो रही है तो उसमें खेलते हुए देखा हो या ऐसे नहीं देखा मैंने कभी खेलते हुए सामने सामने ऐसे नहीं देखा यार कभी खेलते हुए जब मैं उसके कस्टम में कभी बैठा हूँ या कभी ऐसे नहीं देखा है कभी भी
जैसे अभी मैंने जियान को देखा है, किलर को देखा है, आज मैं अरिसुदा को भी पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे तो मैंने क्लासिक वेपन को देखा है। जान जानने का तो सबको जानते हैं, खेल तो एक एंग्री को भी मैं नहीं जानता था, मतलब नहीं खेला था उसे, एंग्री को तो मैं वैसे भी नहीं जानता था। ओ भाई अबू का खोपड़ा गायब, बैंड बजा दी, बैंड बजा दी भाई। गाइस अब आप नहीं बोलोगे कि इनकी जगह किसी और को भेज देते, अभी तो यही खेल रहे हैं 5-0। अब नहीं बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब बोलना चाहिए ना नहीं गलती हो गई हमसे भाई। अब ये मत कहना ये सुदीप सरकार है, पहले बता रहा हूँ, बाद में बोलो, बादल हूँ बादल, ये एनजी बादल है मतलब है। रॉकी भाई के साथ सल्लू भाई भी होते कास्टिंग पे तो ज्यादा मजा आता। हाँ गेम प्ले में भी अरीबा की जगह अगर दिशा पटानी खेल रही होती तो और मजा आता। पॉट जिनाई पॉट जिनाई पॉट छोटी अरे सुदन एक वन टैप ये शॉट मिस कर गई फरिया, कनेक्ट करना चाहिए था। एक्चुअली एसवीडी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से हेड पकड़ती भी नहीं है जितनी अच्छी एसवीडी कि एवेज में हमारी वुड पिकर। ये शॉट गाए। ओ भाई क्या दिया फरिया ने, पूरी उम्मीद अकेले अरी पे ना, हेलमेट नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, गाए। पांच एक कुछ भी कर लो लेकिन ट्रोगन का अगर स्पैम पड़ा तो गाइस खत्म ही है गेम, अगर ट्रोगन का स्पैम पड़ा तो गेम खत्म है, ट्रोगन के आगे कुछ नहीं हो सकता, ट्रोगन के आगे अगर स्पैम पड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। अबे रॉकी भाई सल्लू कास्टर है पाकिस्तान का, अरे वो उसने करी तो है ना, तो मैंने वर्ल्ड सीरीज में करी है वही ना सल्लू। अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा सलमान भाई की बात कर रहे हैं, कवारे आदमी से ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है गाइस, वो तो है पर जब होगी तब होगी। 5-1 से इंडिया आगे गाइस, 5-1 से इंडिया आगे। वैसे भाई का बट्टा मुझे मेरे पूछ आ रहा है सपनों में। एक बार फिर से बादल ये गाय 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 जॉन्डी भाई ध्यान नहीं था इस बार, इसका कहना पड़ेगा। मैंने क्यों ही बोला मनीष मारेगा देखो तुम, मनीष बच सकता है बोल नहीं नहीं पैकिंग कर दो पैकिंग। अरे यार मनीष को ये नॉक निकालनी चाहिए। ओ भाई ये क्या वन टैप दिया है भाई, अरे यार अरे सुधर अकेले खेले और सामने बचे हैं तीन, मुश्किल है। दो घुस गए 5-2। बच सकता था, मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो बच सकता था यार, बादल है ना मुझे लगा था वो बच सकता था, पर लेकिन मनीष के लिए मुश्किल था, वो लगा भी रहा था वो उस जो वो थी ना सीढ़ियों के पार वो लग रही थी, उसने ट्राई भी किया, उसकी भी गलती नहीं है, बट वो सीढ़ियों के पार लग रही थी वॉल, दो वॉल सेंटर और राइट पर वहीं पे कहीं पे अगर वहां बच जाता तो वो मिलके उस बंदे को गिरा देते तो हो सकता था 3v3 की फाइट, बट ठीक है 5-2 कमबैक हो रहा है यहां पे पाकिस्तान की टीम का गाइस। चलो भाई कल गेमर को देखते हैं, वाइल्ड गेमर है गाइस, मैं हां हटना ही करूंगा गाइस ईस्पोर्ट की कोई हाईलाइट टीम अगर मानती है ना गर्ल्स की तो गर्ल्स का देखना मेरे को, ये वो जेना हां यार उसको बुलाओ भाई, क्यों ने स्ट्राइकिंग देखी भाई। फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बादल, ओ फरीहा और बादल के बीच में ड्रैग शॉट की प्रतिस्पर्धा, डाउटी अरे डाउटी ने वहां पे बाजी मार ली भाई, अरे रिवाइव हो गए चलिए बढ़िया। 44 डाउटी रश करने गए हैं गलत क्योंकि दो बंदे हैं वहां पे, चारा बिछाया गया, गलती कर रहे हैं गुरु। एक नॉक अगर मिल गया अब थोड़ी देर और संभल के खेलना है, हाँ
बढ़िया बढ़िया। देखिए अबू को नॉक कर दिया गया है, एडवांटेज का पूरा फायदा, और अब वुड पे करें जो बहुत ही बढ़िया, दो अलग अलग एंगलों से, अरे बचा लिया। अरे यार फिनिश नहीं कर रहे, ये फिनिश नहीं मिला है, महंगा पड़ेगा। ना सिर्फ बचे हैं, फरीहा बची है। भाई साहब क्या खेल रहे हैं भाई, बादल और हरिसूदन आग उगल रहे हैं, बादल और हरिसूदन आग उगल रहे हैं भाई। हरी ने गुरु का भी किल सिक्योर करा है यहाँ पे, डाउडी ने मनीष को डाउन दे दी। बादल बादल के हाथ में गेम है, ये शायद फिनिश हुए हैं। बादल के हाथ में गेम है, बादल को एक लोग 2v2 फाइट है। चलिए यहाँ पे 1v2 डाउडी और फरिया का मुकाबला हरिसूदन से, क्या लगता है जॉन्टी भाई आएगा क्लच 1v2? ले लेगा हरिसूदन, ले लेगा इसको, फरिया को ले लेगा। देखते हैं फरिया लेफ्ट हैंड साइड से पीक देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट लेफ्ट से जाने की कोशिश है, बहुत तेज है हरिसुदन भाई, दिल खुश हो जाएगा ये वाला आ जाए राइट बंदा। टू अगर क्लच कर दिया हरिसुदन ने, कमाल हो जाएगा भारतीय। ये कम ऑन अरे, आएगा आएगा आएगा, एक वन टैप हेड पे, एक वन टैप हेड पे, मेडी भी खत्म, हेल्थ भी पहले से डाउन थी। जब आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार गाइस, स्किल्स नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मेडी खत्म हो जाती है ना। 5-3 कमबैक हो रहा है उनका, तो 5-5 कर दिया भाई। अरे सुधर ने क्या खेला, अरे यार पता है परिया को पहले ही क्लियर कर सकते थे यार वहाँ ओपन में, पता है देखा वो रिवाइव कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल गया, वही गेम बदल गया 1v2 का। डाउडी भी कास्टर ही है, इतने सारे रॉकी अब यहाँ पे भी तो है, जस्ट जॉन्टी भाई कास्टर है तो यहाँ भी रॉकी बाबू MA2 भी चला रहा है सर, MA2 भी सिर्फ मनीष ने उठाई और वो भी बहुत देर बाद। अरे ओपी भाई, खत्म कर दे किल, अगर सिक्योर नहीं कर पाते हैं बहुत दिक्कत होगी। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा मैन टू मैन एडवांटेज का फायदा उठा रही है। अभी तो अपने पास राउंड आ गया है, ये राउंड तो है, ये राउंड तो इंडिया का है लग रहा है, हरिसूदन निकाल दे बस गलती ना करें। दो प्लेयर का रश, क्या बची है फरिया, आराम से ले सकते, क्या बची है फरिया भाई, ये नहीं अबू कैसे शॉट मिस कर गए। डाउडी और फरिया ने आग लगा रखी है, ये गए डाउडी गए, फरिया बिल्कुल अकेली है। भाई साहब क्या दिया है भाई, क्या खेल रही है ये लड़की, क्या जबरदस्त फटका दिया है भाई, पीछे से प्लेयर आ गया, नहीं इस बार नहीं बचेंगी शायद। ओ भाई जॉन्टी भाई क्या खेल रही है ये, लाजवाब यार 6-3। यार जो जो बंदा अच्छा खेल रहा था ना उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, सच्ची में अच्छा खेल रही है, देखो सच्ची में अच्छा खेल रही है, तुमने देखा नहीं यार 1v1 था हरिसूदन का, उसका पूरा उसने क्या निकाला, हरिसूदन के हाथ में वो थी UMP लेकिन उसने भी अच्छा कमबैक किया, मिस हो गई। ये वाला गेम हम इंडिया जीत सकते हैं गाइस, 3-6 से हम इंडिया आगे हैं, इस बार हरिसूदन ले लिया है XM8 और UMP। मनीष के पास दोनों शॉर्ट रेंज फ्रेगोन और MP, परिया फिर आगे बढ़ते हुए राउडी कैंपिंग करते हुए, राउडी कह रहे हैं सीधा मारूंगा मैं बंदा, ऊपर दिखती बढ़िया डैमेज तो अच्छा मिला यार। बादल सबसे ज्यादा 13 एलिमिनेशन कर चुके हैं, अरे सामने लग रहा है परिया है, नहीं अबू है शायद, हाँ अबू है। ओ भाई दे दिया रे आप फरिया, क्या खेलती हो, क्या खेलती हो फरिया यार, लाजवाब कमाल खेल रही है भाई छोटी छोटी भाई, ये लेडी किलर ने तो दिमाग खराब कर रखा है
भाई बहुत अच्छा वन टैप मारा, बहुत अच्छा। रखे अभी तो किलर आएगा। हाँ जी अगला मैच वही है। आपको सबसे पहले इस मैच में आने को किसने सपोर्ट किया था? मैंने सपोर्ट किया था, मतलब सपोर्ट कह सकते हो या मेरे को रास्ता दिखाया था देसी गेमर ने, अमित भाई ने। मेरे को अगर सपोर्ट और रास्ता बोल सकते हो ई-स्पोर्ट में किसी ने दिखाया था तो अमित भाई ने। जैसे मतलब मेरे को बोला था कि खेल और जा, जब मैं देसी बोल से खेला तो तब 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 थाईलैंड और ये सब की टीमें आई थी। मनीष नॉक, मनीष भाई, अरिस्वन, अलग अलग है ना। अब एक नंबर कौन है? यश जाएगा, यश, यश अकेला है, यश के मुंह पे पड़ जाएंगे। आ गया यश टीम के पास। परिया के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है इस मैच में। नहीं, इस मैच में सिर्फ दो ही एलिमिनेशन है उनके। मैं पहले दे चुका हूँ पहले मैच में जब वो एमवीपी बनी थी। चिंता मत करो भाई, अपन बायस नहीं है, जो जैसा खेलेगा वैसा देंगे उनको स्टैंडिंग ओवेशन। इस मैच में फरिया के केवल दो किल हैं, आप देख सकते हैं। इस बार बादल भारत से और डाउडी पाकिस्तान से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। कोई बात, पाकिस्तान के मामू और इंडिया के मामू का वर्सेस हो जाएगा। अरे भाई डाउडी ने यहाँ पे काम तमाम कर दिया, तो कमबैक हो गया जोंटी भाई। अब मोर देन 10 मैचेस, 0-5 था। मौका है यश, कम ऑन यश, अरे यश एक नंबर आएगा, आएगा यश आएगा, कोशिश करते रहिए यश। अरे गजब, अरे आएगा आएगा यश, अभी भी आएगा, अभी भी उम्मीद है। 1v1 भाई, यश ने तो अकेले बैंड बजा रखी है। कम ऑन यश, ये पाकिस्तान के रोकी मामू वर्सेस यश वाइटी बॉस। चलो पाकिस्तान के रोकी वो भाई 1v2 था लेकिन। ओ भाई ये क्वाड्रा मारा है जॉन्टी भाई, स्टैंडिंग ओवेशन। डाउडी भाई ने क्वाड्रा किल कर दिया भाई। पता है ये राउंड में हम जीत जाते, ये राउंड में ही जीत जाते ये गेम पूरा। 5-6 हो चुका है गाइस, पाकिस्तान 5-6। स्टैंडिंग ओवेशन टू पाकिस्तान के रोकी मामू डाउडी। पाकिस्तान के रॉकी मामू ने क्वाड्रा मार दिया। राउडी परिया, यस राइटी बॉस। थोड़ा सा रह गया यार यश, थोड़ा सा गेम ही अपना था। बादल नीचे से जा रहा है, मनीष यहाँ बीच में है, अरिसुदन राइट में, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी में खेल रही है। 17 एलिमिनेशन डाउडी के, जॉन्टी भाई कमाल खेल रहे हैं डाउडी भाई। ये वाला भाई बैंड बजा दी इस बंदे ने, 18 एलिमिनेशन जॉन्टी भाई। ओ भाई यश फिर से अकेला, नहीं हो पाएगा ये वाला, तो नहीं हो पाएगा। 19 एलिमिनेशन, 6-6 हो गया, 6-6 हो गया लास्ट के राउंड। भाई डीमोटिवेट हो गए क्या हमारे इंडिया वाले? अरे यार डीमोटिवेट हो गए। मियाऊ जेरी कहती है माइक ऑन करके क्यों नहीं खेल रहे इंडिया वाले, बोलो क्यों माइक ऑन करके खेले, समझा नहीं मैं। अरे वो माइक ऑन करके खेल रहे हैं उधर, हम तो डिस्कॉर्ड पे है ना, हम डिस्कॉर्ड पे है मैम, हम कास्टर्स हैं। चलो मेरी जान, ये वाला राउंड जीतना है, अब तक जो हुआ हो गया, चलो चल चल यस। सबसे पहला नॉक दे यार डाउडी का, कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे। फरिया को सिर्फ एक राउंड अच्छा खेलना है। और भाई यहाँ पे ना
यश वाइट ही फंस जाएगा देखो ना, फंसाएंगे भाई। दे दे एक नॉक है पहला, दे 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 161 कुछ का पड़ा। अरे डाउडी ने यश को दे दिया यार, शिट। एक और नॉक अगर डाउडी ने निकाला तो गेम खत्म जोंडी भाई। एक और नॉक निकला तो ऑलरेडी एक फिनिश है। वन टैप मिस, गुरु डाउन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच जाएगा लेकिन, बच जाएगा। मनीष आगे, नहीं नहीं मनीष नहीं, इस वक्त नॉक नहीं, बस टिके रहिए। मैन टू मैन एडवांटेज, नहीं 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 नहीं। यहां पे दो बंदे हैं, 4v2 ना, नहीं 4v3। फरिया गई, चलिए फरिहा मौका है मेरे हिसाब से, तो अभी भी चांस है क्योंकि ये अरे भाई, क्योंकि फरिहा को यहाँ पे एलिमिनेट। अरे बहुत बढ़िया, बहुत, ओह माय गॉड, चोंटी भाई क्या देख लिया मैंने, डाउडी का शॉट। 1v1 अरिसुदन बनाम डाउडी, अरिसुदन बनाम डाउडी, डाउडी बनाम अरिसुदन। 1v1 फुल हेल्थ, सारी आर्मरी टॉप क्लास होगी, दोनों खिलाड़ी 1v1। 21 एलिमिनेशन कर चुके हैं डाउडी, 21। आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड इन रॉकी एंड आरडीएक्स, आज तक किसी भी टीम के किसी भी इंडिविजुअल ने इतने किल नहीं करे हैं क्लैश स्क्वाड में एक मैच में। 21 एलिमिनेशंस हैज बीन रजिस्टर्ड बाय डाउडी। 1v1 अरे, एक बार फिर से अरिसुदन, अरिसुदन डाउडी ले सकता है, ले सकता है, पाकिस्तान के डाउडी बना भारत के अरिसुदन, ले सकता है आराम से डाउडी। ओ बच गया, अरे थोड़ा सा और, अरिसुदन भी डैमेज है और अरिसुदन ज्यादा डैमेज पड़ गई है। यहां पे 22 एलिमिनेशंस अकेले करके डाउडी ने एक हाथ से निकला हुआ मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया, लाजवाब जॉन्टी भाई। 22 एलिमिनेशंस, ये मेरे यहां पे एक रिकॉर्ड है, किसी इंडिविजुअल ने एक सिंगल मैच में 22 एलिमिनेशन आज तक नहीं करे भाई। बहुत अच्छा खेले यार पाकिस्तान वालों ने, बहुत अच्छा कमबैक किया। 0-5 था और 7-5 हो गया, 7-6। राउडी भाई यार बहुत बढ़िया, अबू भाई बहुत बढ़िया खेले, गुरु अब बहुत अच्छा खेले यार, पर यार अब भी बहुत अच्छा खेले यार, बहुत बढ़िया यार, गुड गुड। मोदी जी का सुपर चैट आया, अरिसुदन का नेट 150 प्लस हो रहा है। हो सकता है ब्रो, बट अच्छी कोशिश थी, अपने इंडिया वाले भी बहुत जबरदस्त खेले ब्रो। एंड आई थिंक जॉन्टी भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, 150 प्लस पिंग मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर हमें ये नहीं भूलना चाहिए 5-0 से हम लीड पे थे, वहां से कम बैक करिए उन्होंने। 5-0 भी हुआ यार, पर बहुत बढ़िया यार, वो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। वो तो देखो अभी मुझे नहीं पता है वो क्या है क्या नहीं, लेकिन ठीक है पाकिस्तान वाले M2B भी रिमूव करें, M2B तो रिमूव करूंगा। MJ isn't it 2-0? हाँ MJ, मोर मैचेस विद द सेम टीम और किलर विल जॉइन? नहीं किलर आएगा ना। दो टीम थी ना, दूसरी में कौन कौन है? दूसरी शायद ईस्पोर्ट्स वाले आएंगे, एक मिनट मैं पहले M2B देख लेता हूँ। जॉन्टी भाई कहाँ है ये M2B? क्या दूसरी ईस्पोर्ट टीम आ रही है? हाँ शायद ये कह रहे थे ना। हाँ वो हो सकता है गाइस, हाँ हॉटशॉट, हॉटशॉट, हॉटशॉट वाला कह रहे थे ना ये लोग, इस वजह से। रॉकी भाई टेंशन नको, ट्रॉफी तो इंडिया को ही लेकर जानी है। वो तो फिर तुम्हें पता ही है, एक बार आने तो दो। जॉन्टी भाई सुपर चैट भी देखो कौन दे रहा है, ये मोदी की गारंटी है। स्क्रिप्ट लिख दी मोदी जी ने, मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिख दी, मोदी की गारंटी माने गारंटी पूरा होने की गारंटी। रिप्लेस GW मनीष भाई, अरे ऐसा नहीं है यार, आप लोग ऐसा क्यों करते हो यार, कोशिश तो की बंदे ना, इतना आसान नहीं होता। आप जाके खेलो, आपको ना समझ में ही नहीं आएगा, हाथ में फोन कांपते हैं भाई, पहली बार जब जाओगे पता चलेगा। स्मूथ को भी बुला देंगे यार, स्मूथ को भी बुला देंगे, ट्राई करूंगा एक बार स्मूथ अगर आ पाए तो। इनको क्या स्पेक नहीं लेना है? रिक्वेस्ट कर लेंगे, पहले इंडिया वालों को तो बुलाओ। अरे 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 MJ बुला लो ब्रो, अभी ये MJ किधर भाग जाता है। अब देखते हैं
किलर भाई क्या करते हैं गाइस, जब तक कि लाइक करो चैनल पे, सब्सक्राइब करो। अब देख लेते हैं किलर भाई क्या करते हैं पीसी प्लेयर से आगे। पीसी प्लेयर है पता नहीं, मोबाइल प्लेयर है कोई तो है। नहीं मोबाइल होंगे सामने, हम मोबाइल होंगे तो मोबाइल होगा तो फिर तो अच्छा गेम आएगा। मोबाइल हुआ तो फिर तो खेल जाएगा। हाथ में फोन काफते हाँ लिटरली लिटरली वो सही बात है। अपन जब अभी कुछ दिन पहले लैन गए थे, वो जो नई टीमें क्वालिफाई हुई थी अपार्ट फ्रॉम द टीयर वन, आप बताइए चेहरों पे क्या मतलब 12 बजे पड़े खिलाड़ियों के। आपने सही बोला कि पर वो फोन मतलब था हाथ में फोन कांपते ये बोला उसने। हाथ तो हाथ कांपते हैं मतलब ये बोलना चाहिए दोस्तों। हाथ में तो फोन ही कांपेगा, थर 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 थर। टिप्स दो पहले के जैसा अभी देता हूँ गाइस, रुको। सबसे पहले टिप गाइस, जिस जिसकी टीम नहीं है सबसे पहले टीम बनाओ तुम्हारी कसम। बहुत सारे बंदे जिसकी टीम नहीं है। अरे प्रभु कहाँ है यार, बुलाओ यार इतना टाइम। यानी कि स्पेक ले लो ना। हाँ 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 आए नहीं है कोई, आ रहे हैं शायद। मैंने हॉटशॉट्स का रिक्वेस्ट किया था एमजे से। मनीष भाई फॉर्म में नहीं है, उनको रेस्ट दो। मनीष भाई फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में तो हार्दिक पांड्या भी नहीं है, तो क्या उसको कैप्टनसी से हटा दो। सही बात है। मैं रोहित शर्मा हूँ भाई, अभी जा रहा हूँ मैं, मेरा मैच चल रहा होगा दिल्ली से आज। नेट प्रैक्टिस करके आया हूँ, अभी निकलना है, मेरा प्राइवेट जेट खड़ा है बाहर। और गाइस मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के बस की नहीं है, मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। जॉन्टी भाई क्या बोल रहे हो? अरे मुंबई जीतेगी आज, लिख के ले लो। सूर्य कुमार वापिस आ रहे हैं सुनना है मैंने आज। आज दिल्ली आज मुंबई जीत रही है, तुम्हारे भाई ने बोल दिया, जॉन्टी भाई ने, नोट कर लो। अगर ये गलत निकला तो फिर बाद की बात में देखेंगे, पहले आज दिल्ली नहीं जीती। दिल्ली जीत ही नहीं सकती, ना दिल्ली जीत सकती है ना आरसीबी जीत सकती है। आरसीबी तो जीत ही नहीं सकती। जॉन्टी भाई बहुत हेट मिलेगा जॉन्टी भाई, ऐसा ना बोलो, आरसीबी जीत नहीं सकती भैया, नहीं जीत सकती। मैं कल मैच देखा भाई, अकेला बंदा मैच नहीं जीता था कभी भी यार, आपको भी पता है, चाहे ईस्पोर्टर्स है कोई, अकेला बंदा मैच वो बंदा इतना अच्छा खेला, बाकी को पता नहीं क्या हुआ है भाई। मेरे को ये समझ नहीं आता कि कितने रन, कल मैं वो भी डालने वाला था, कितने रन चाहिए होंगे आरसीबी को मैच जीतने के लिए, कितने रन भाई। हमारी तरफ से आ रहा है किलर लेवी, वेजिटा को वो कर दो। नहीं नहीं वो खेलेगा, वो बादल ही है, वो एनजी से ही खेलता है, उसी ने नोटा है। हाँ, नोटा ये तीनों एनजी के ही है। और किलर टी का टीम एलीट का किलर अब आए, आए। किलर से मजे लेता हूँ। सूर्य आउट हो गया जीरो पर, क्या गलत बात, मेरे वर्ड्स वापस दे रहे हो मेरे को। 10 ओवर में 110 रन है, 2 विकेट, दिल्ली जीतेगी भाई, 10K की बैट जॉन्टी भाई पे। जॉन्टी भाई सच्ची में, अरे यार ये मत बोलो यार, मैंने यार क्या बोल दिया यार। अरे एक मिनट, 10 ओवर में 110 रन पे 2 विकेट ब्रो, उस हिसाब से तो अगर देखो 10 की रन रेट के ऊपर खेल रही है टीम फिर। अबे यार 111 रन हो गए बे, तो मुंबई जीतेगी बे, रन लगा 10 रन पे 2 विकेट। नहीं नहीं 110 रन सर, 110 रन पे 2 विकेट। हाँ हाँ तो फिर 10 ही ओवर हुए ना। हाँ तो 10 की रन रेट से मार रहे हैं, वो कैसे बोल रहे दिल्ली जीतेगी भाई। भाई मैं देखो, मैं तब से तो लाइव हूँ, मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें बोल दिया क्योंकि आज ना मैं थोड़ा नेट प्रैक्टिस करी थी सुबह। रोहित शर्मा खेल रहा है एक बार बताना तो, किलर कितना बदमाश है। जॉन्टी भाई ने पूछा किलर है क्या, कहते नो नो आई एम बेटू वाइट। कितना कमीन है भाई आदि। ईशान किशन भी गया तीसरा विकेट। जॉन्टी भाई अभी तो बोल रहा था जीतेगी। मेरी शक्तियां लग रहा है आपको तो नहीं मिल रही धीरे धीरे।
अरे यार कसम से अभी तो बोला यार जीतेगी, अब इंसान किसी को कैसे आउट हो सकता है, अभी तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत गलत बात हो गई। 111 पे 3 हाँ जीरो पे जॉन्टी भाई को बोलो कि मुंबई जीतेगी, 10K की बैट है, ठीक है भाई, ही जीतेगी। हाँ भाई तुम पे नहीं, जॉन्टी भाई फिक्स तो मैंने किया है आए मुंबई भाई, जॉन्टी भाई मेरे चैट में सिर्फ आरसीबी चल रहा है भाई। देखो आरसीबी का फैन मैं भी हूँ, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है यार जब आरसीबी हार जाती है, तुम्हें पता है मेरा दिल कितना टूटता है यार, है? मैं न्यूट्रल हूँ भाई, मैं सिर्फ मजे के लिए देखता हूँ गेम, जीते कोई भी। बापू अक्सर व्हाट अ कैच, अक्सर ने कोई अच्छा कैच पकड़ लिया। चलो इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गई, अब पाकिस्तान की टीम कहाँ गई, आई नहीं। वेलकम बी टू किलर के बजे भाई आरसीबी को मामा, ये अब तो आरसीबी का कप है, जॉन्टी भाई ने हारने का बोल दिया है। आप समझे, ये एक बंदा है जिसको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। अभी मैंने बोला मुंबई, तो मतलब समझ लो मुंबई हारेगी। पता है क्या होगा, मैं इतना पनौती आदमी बोलता हूँ कि मैंने अगर बोल दिया ना कि आज मुंबई जीतेगी, तो बता रहा हूँ कोई बॉलर होगा दिल्ली का जो मार मार के चला जाएगा और हरा देगा, बता रहा हूँ। लेकिन आज 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 मेरा दिल बोल रहा है, आज मेरे को सुबह सुबह ऐसे मतलब नहीं होता है, सपना आता है सुबह सुबह, आया मुंबई इंडियंस जीत रही है और रोहित शर्मा 49 रन पे आउट हो जाएगा। 49 रन पे आउट हुआ है क्या रोहित शर्मा, चेक करना एक बारी, 42 या समथिंग में आउट हुआ है शायद। 49 ओ 49 तुम्हारा सपना सही है। तो मेरे को याद था कि सूर्य कुमार यादव जीरो पर अक्षर कुमार, वो सच तो नहीं है कहीं, बता दे, देखना पड़ेगा, रुको। सपने में गूगल की ये आई थी क्या लिस्ट, मैच लिस्ट, स्कोर कार्ड यार, मेरा वो सपना कई बार होता है ऐसा भाई। आज स्कोर बनेगा तुम्हारा लगभग लगभग 216 रन का टारगेट मिलेगा गाइस, और हमारी जो मूवमेंट हार्दिक भाई बहुत बुरा खेल रहे हैं, 15 बॉल में 15 रन, ऐसा मत बोलो, कुछ ज्यादा ही बुरा खेल रहे हैं हार्दिक भाई। एक सपना हो रहा था मेरे को क्या, कि ईशान किशन जो है 23 बॉल में 42 रन मार के जाएगा, एक बार ये भी आया था मेरे को। सर ये तो देख के बोल रहे हो आप। नहीं नहीं ये यार मैं लाइव हूँ यार, मैं मैच नहीं देखता, मैं सब बात कर रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ पे अभी आपने बोला तो क्रिक बस खोल लिया मैंने। तिलक वर्मा एक बॉल में, अच्छा अभी तो पंड्या खेल रहे, बताओ सपने में क्या आया था कि हार्दिक पंड्या कितने रन मारेगा। मेरा सपना टूट गया था बीच में। अच्छा, बॉल में 16 तक तो मैंने देखा। अच्छा। वो मम्मी ने जगा दिया उसके बाद, मैं देख ही नहीं पाया उसके आगे की पारी। ओ भाई, मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार इतना अच्छा मैच चल रहा था आपने जगा दिया। अरे बाप रे। क्या यार, एक प्लेयर बचा है अभी भी पाक टीम से। Want to kiss? एक प्लेयर किलर इज नूब, टारगेट किलर फर्स्ट भाई, इतने इंग्लिश समझ रहे हो? माय गाइडेंस, ये सेम अत्याचार इंडिया वाली टीम पे हुआ 4-0 तक थी। माय जॉन्टी भाई क्या कहा है रे भाई, उसे जॉन्टी भाई की क्या गलती, मैंने बोला 5-0 ये तो इंडिया जीत ही गई। दे भाई 7-5 7-6 माय गाइडेंस अंडर प्ले, क्रिक बस का प्रमोशन 100 करोड़ डन। अरे नहीं, क्रिक बस बहुत अच्छा वेबसाइट है, टाइम पे स्कोर दिखाता है।
प्रमोशन का क्या है, मैं कोई लोगो लगा के थोड़ी बैठा हूँ। देखो मैंने पीसी प्लेयर देखे नहीं है, मैं एक दो दिन पीसी प्लेयर करूंगा फिर उसके बाद हम वो करेंगे। मैं अगला मैं पता किससे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स लाइन अप आए, क्यूट क्यूट चेहरे और क्यूट क्यूट मतलब इंटरव्यू भी लेने में मजा आए, समझ रहे हो। रॉकी को रॉकी मामू बोले और जॉन्टी भाई को सिर्फ जॉन्टी बोले, मतलब अच्छा लगता है, कैसे गुड है ना। भाई देखो मेरी तो शादी हो रही है, मैं तो अग्री हूँ इस बात पे, और मैं तो अग्री हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार इवोस जेना कहते या आई वॉच यू थैंक यू अंडर यू प्ले, खुशी हो दिल्ली खुश हो जाएगा मेरा तो। जिस दिन कोई लड़की जॉन्टी भाई की जगह जॉन्टी बोल देगी ना उस दिन उसका दिल आ जाएगा गाइस, चिंता मत करो। अरे वाह नोमी आ गया, अभी तक तो ऐसी कोई आई नहीं जो भाई के नीचे बात करती हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जॉन्टी भाई इस लड़के को देखना पाकिस्तान से, नोमी नोमी ये खतरनाक खेलता है। लेकिन अपने पास भी अभी इंडिया की टीम बहुत कड़क है, लेविक्स ये लड़का भी तगड़ा खेलता है, किलर के तो क्या ही कहने। बादल को आप देख चुके हैं और नोटा जो है वो भी नेपाल के सबसे अच्छे पीसी क्रिएटर्स में से एक है। आज किलर का वो टेस्ट है टेस्ट के लिए। आपका फेस देखना है यार गाइस, 150 के करवा दो ना फिर, 150 के पे हम दिखाएंगे आपको। और मैं बताता चलूं कि अभी के लिए यहाँ पर नोमी आ चुके हैं, नोमी है, साइको है, अच्छा ओपी इनसेन नहीं है तो ओपी इनसेन यहाँ पर जो अभी भाई किसकी लाइव देख रहे हो तो बता दूंगा अगले में ना, वो साइको क्लियर हुआ तो। ये किसकी आवाज आ गई पता नहीं कहाँ से आ रही है, यहाँ पर जो है वो हमारे साथ देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान से हैं। अरे यार माइक ये अच्छा स्पेक्टेट में माइक कौन है, अच्छा हाँ मैं सोचूं मेरे डिस्कॉर्ड पे कौन आ गया अभी, इसको 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 म्यूट करने का क्या तरीका है। अरे ऊपर से बस ऊपर से कहाँ पे ये साउंड में वो कर दो, ये वॉइस बंद कर दो, हाँ बंद भाई। नोमी हो चाहे कोई हो इधर किलर है क्या भाई, ये चालू हो गया भाई, चालू हो गया, दो गए ए, देखो छोटी भाई दो गए, दो को मुंडी दिखी और पड़ा। अरे भाई सही में भाई कितने प्लेयर आए और गए, इसके जैसा कोई नहीं भाई। किलर भाई ग्राइंड करना चालू कर चुके हैं, कल भी बोल रहा था मेरे को 1v1 का तो कम कर रहा था, करा 2v2 और 4v4 किसी से भी करवा दो कर लूंगा है। ग्राइंड करना इसे चालू कर दिया, चलो खत्म भाई, 100 लिख के ले लो, 101% 100 या 150% ये टीम जीत गई, इंडिया वाली इंडिया वाली हां लिख के ले लो देखते हैं टीम लीड। हां वो मैंने यार वो बाय कर लिया, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिया तो उसके अंडर मैंने 4 प्लेयर लिए बीसीएस के और उनको मैंने भेजा है, तो वो मेरी ही टीम है और बीसीएस में खेल रही है। अच्छा अरे यार हल्के में ले रहे हो यार भाई, बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरा, अगला सोल बनने का मेरा वो है, अगला सोल मेरा बन वो हां। जट भाई इसी बात पे ये बता तो बीजीएस कौन जीत रहा है, उसका सपना कल आएगा। अच्छा मम्मी ने नाम थोड़ा तो पता, अभी तक मम्मी ने सोने नहीं दिए है ना, मेरा सपना इज वेरी गुड। ओरे भाई दो को दिया, दो को नोटा ने बचा दिया, पारे साइको एक नंबर ब्रो। नोमी जाते हुए ये प्लेयर बहुत खतरनाक है, नोमी भाई नोटा, नोटा का मैंने नाम तो सुना है, नोटा बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन ये पाकिस्तान से नोमी के भी चर्चे हैं भाई साहब। इतनी तो गारंटी देता हूँ कि हर मैच में किलर एक से दो तो नॉक निकाल देगा, हार गए इंडिया। अरे तुम कैसे से हो हैं, मैंने बोला है तुम देखो अगर इंडिया हार गई, अगर इंडिया हार गई तो तुम देख लेना। अंशुराज देखो घर वाले जो बोल रहे हैं वो कर लो, क्योंकि वो करते हुए भी ई स्पोर्ट्स मेंटेन कर पाओगे तुम,
बीएससी नर्सिंग के लिए घर वाले बोल रहे हैं जॉन्टी भाई इनको, और कह रहे हैं मेरे को ई-स्पोर्ट्स खेलने हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ई-स्पोर्ट्स के साथ जारी रख दोनों। मेरी जान ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे खेलो, इलाव हाथ कहीं जाएगा, उसके बाद होगा तो सब कर लेना। और अभी तो गेम भी नहीं है तो भाई क्यों बेकार में उतना ज्यादा वक्त बर्बाद कर दो भाई। ये बंदा देगा सामने कोई भी हो। मोदी जी पूछ रहे हैं सुपर चैट देके, जॉन्टी भाई कुछ बोलो ना प्लीज, अब फॉर्म ना तोड़ना किलर की। आई अबे तुम दो लो मंटा भाई, पड़ी किलर को दिया, किलर को बोला ने वे, किलर को वन टैप लो, किलर को जॉन्टी भाई पनौती। अबे मैंने बोला वन टैप लो किलर को, कोर का कोर का का और को वो मतलब लेना, रागी ने तो यहाँ पे सही में भाई आग लगा रखी है, लेकिन किल सिक्योर नहीं कर पाए क्योंकि उनके खिलाड़ी डाउन हो गए। आप गए रागी, बढ़िया वन से आगे, चौथा विकेट भी गया एमआई का। अरे वो हो जाता है, हो जाता चार है। विकेट हो गए, चार विकेट हो गए तो रन भी मार दिए होंगे मेरे को तो लग रहा है। 215 तो मैंने बोला ही है, 215 किलर कह रहा है 300 पिंग चल रहा है, 300 पिंग चल रहा है। हां भाई साहब गाइस हो रहा है ना, और पाकिस्तान के जो नेटवर्क है वो एक बार बोल दो पाकिस्तान जीतेगी। जॉन्टी भाई समझ नहीं आ रहा स्कोर क्या जाएगा, क्योंकि 13 ओवर में 123 रन है लेकिन 4 विकेट, और हार्दिक पांड्या 20 बॉल में 19 रन, टेस्ट मैच खेल रहे हैं हार्दिक भाई। भाई स्कोर जाएगा 213 रन, किरण आएगा नेट में गड़बड़ हो रही है भाई। अरे नोमी गया भाई साहब, बादल भाई, बादल और नोटा ने आग लगा रखी है। बादल क्या बात है, ओए बादल, बादल बरसा बिजुली भाई साहब, 3-1 थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, बट इट्स ओके वो कर सकता है। एक बार बोल दो पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीतेगी। 4 विकेट के हमारे यार है भाई, ए भाई यार खेलती है ऐसा, मैं सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो आज तुम्हारे कहने पे मैंने कर दिया। रागी नहीं रेज है, अच्छा रेज बोलना है ठीक है, रेज बोलेंगे, रेज वेरी गुड, वेरी गुड है, मैंने प्रेडिक्ट कर ही लिया था रेज होगा। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो थोड़ा सा पढ़ लो अंशु, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि एट दी एंड वो एक परमानेंट तुम्हारे लिए बैकअप रहेगा मेरे भाई, बात मान। पढ़ाई लिखाई करते हुए भी खेल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या दिया है रेज ने भाई, रेज ने बहुत बढ़िया शॉट कनेक्ट किया है। ओए, 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 नोमी भी डाउन, नोमी भी डाउन, यू डोंट नो मी, किलर कह रहा है नोमी यू डोंट नो मी, आई एम किलर फ्रॉम इंडिया, दे दिया 1v3। ये नॉक है, ये प्लेयर नॉक है जॉन्टी भाई, ये ग्लिच हो गया शायद। हाँ हाँ खड़ा हो गया, चलिए खड़ा हो गया, ग्लिच हो गया है भाई। वॉल्वी ने क्या रश किया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 2-3 मैं तो बोल ही नहीं रहा, इंडिया जीतेगी जॉन्टी भाई, अब तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर, पाकिस्तान जीतेगी भाई। नोमी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई लाइक नोमी गेम प्ले एंड ही इज वेरी माय फेवरेट वन ऑफ देम। नोमी तेरा वन टाइम मेरे को दिखना चाहिए नोमी भाई, लोग 2000 लाइक टारगेट जल्दी पूरे करो। हां गाइस करो जल्दी, बेशर्म हो गाइस, मैं इंडिया पाकिस्तान को जिता दूंगा, तुम लाइक जल्दी चाहिए ना को सब्सक्राइब करो जल्दी, देखो ठीक है गाइस, अब देखो तुम इंडिया को, इंडिया के आगे कोई नहीं बोल सकता, अब इंडिया जो मारेगी ना तुम देखो। एक को वन टैप दे दिया, अरे भाई नोटा डाउन,
भाई किलर, कुछ जादुई परफॉर्मेंस देना पड़ेगा किलर को। चलिए कर दिया काम, कर दिया काम, कर दिया। उनके दो गए। रेज रेज, अरे भाई क्या दिया रेज ने, कमाल की बात है। नोमी ने हाथ नहीं खोले अब तक, अभी तो हमारा एक प्लेयर जिंदा है। 5 राउंड हो गए, नोमी का एक भी किल नहीं आया है और रेज ने 2 नॉक कर दिए हैं। बचा बचा इसको बचा, नोमी गए भाई, चांस ही नहीं दे रहे हैं नोमी को तो। चलो चलो ये तगड़ा खेल रहे हैं रेज, बढ़िया। चलो 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 वर... ओ भाई जाते जाते भी वन टैप अच्छा दिया था, लेकिन इंडिया बहुत आगे है। 4-2 है। चलो गाइस जीतेगी इंडिया, जीतेगी इंडिया। अरे अंशु टेंशन नहीं लेने का, वो डर सभी को लगता है। हम भी जब नया नया कुछ स्टार्ट करते हैं ना, हमें भी डर लगता है, दैट्स ह्यूमन नेचर। बहुत ज्यादा टेंशन मत ले, आराम से जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसको भी एंजॉय कर। मैंने तो कुछ बोले चल 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 चल, वन टैप दे, वन टैप। किंग ऑफ ड्रैग शॉट किलर, वन टैप चाहिए, वन टैप। दो प्लेयर हैं जॉन्टी भाई, मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। दो प्लेयर हैं, लेफ्ट में कोशिश है, नहीं राइट लेफ्ट दोनों तरफ से रश होगा मुझे ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ तो मेला लूट गया जॉन्टी भाई, पाकिस्तान को देखो भाई, मेला लूट गया यहाँ पे भाई। साइको ने तो मेला लूट लिया, और नोमी के साथ वही हो रहा है जो मनीष के साथ हो, शायद पिंग स्टेबल नहीं है और बहुत दिक्कत है। लेकिन 3-4 पिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, पिंग का थोड़ा इशू हो रहा है इस वजह से, पिंग का थोड़ा इशू हो रहा है। गाइस चलो नोमी को देखते हैं, नोमी को, नोमी पीसी प्लेयर है ना, पाकिस्तान के पीसी प्लेयर भी अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के पीसी प्लेयर भी अच्छे होते हैं यार गाइस। अरे यार इसको देखना चालू करा, ये भागने बंद हो गया। लैप कैमरा घूम के किलर कर गया। ओके, हम वो बेबी एफएफ कब आ रही है कस्टम खेलने, रशियन यूट्यूबर है बेबी एफएफ, दस में दानिया। एमजे बाकी सारे काम छोड़ो, पहले बेबी एफएफ को बुलाओ। 2v2 है जंटे भाई, 3v2, 3v2, 1v2, 1v2 है। मुझे नहीं लगता रेज निकाल पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। 3-5 हो गया, 3-5 हो गया, इंडिया 3-5 से आ गया, 3-5 से आ गया। कहीं ना कहीं नोमी और साइको अगर डाउन हो गए तो फिर तो पूरा हो जाएगा। नोमी और साइको डाउन हो जाते तो ओ माय गॉड, ओ भाई एक नंबर। अरे अरे भैया क्या क्लच निकाला है रेज, जॉन्टी भाई ऐ तो मुंह से छीन लिया जीत, बहुत बढ़िया खेला, गजब खेला भाई रेज, बहुत बढ़िया, नजर न लगे भाई। क्या हो रहा है इंडिया वालों, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान वालों को देखो, रेज को ही तो देख रहा हूँ यार, उधर कोई शक्तियां काम ही नहीं कर रही, दिक्कत शक्तियां काम नहीं। तो गाइस अभी देखो रेज यहाँ पे डाउन होने वाला है, चल भाई रेज। तीन बंदे आगे, वॉल भी डाउन है, उन्होंने 6000 बताया, क्या समझा नहीं ये, मैं समझ गया, मैं नहीं समझा, उन्होंने 6000 बताया मेरी तरफ से उठ गया। इसका क्या मतलब है भाई, अरे इसका मतलब नहीं समझ में आया। अरे मेरा उठ गया है, बोलो विद और विदाउट भाई, आई एम कंफर्टेबल। कोड, ये कोड वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते भाई, यार रॉकी भाई
भाई 1v2 है आपके गेम में जाना। जोंडी भाई अगर अगर 1v3 मार दिया ना साइको ने, मुझे नहीं लगता फिर कमबैक हो पाएगा। अरे भाई गया, चलो 5-4। स्मूथ का गेम प्ले कैसा लगता है? बहुत ही खतरनाक, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ तो स्मूथ का गेम प्ले जो है, आप अगर उनके टक्कर के लेवल के प्लेयर्स के सामने अगर डालेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन पड़ती है स्मूथ के ऊपर भी। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच ईजी। लाइक 1v6 अगर आप देखें विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्मूथ जो 1v6 करते हैं दैट इज़ विद अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, नॉट विद द बेस्ट प्लेयर्स। तो बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उनके अगेंस्ट में तो 1v1 या 1v2 निकालना भी बहुत मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि तो मामा जॉन्टी भाई को बोलो पाक जीतेगी, इंडिया का नाम लिया हारेगी। अरे पाक ही जीतेगी यार। गए साइको भी, गए साइको गए, पाकिस्तान जीतेगी तुम चिंता मत। I am surprised। चल बंदर देख। बड़ा अच्छा खासा नाम है, खेलते भी अच्छा है नोमी, लेकिन अभी तक खाता तक नहीं खुला है 9 राउंड में। अरे भाई जेकी टीम क्या, क्या बात है लेविक्स। ए जॉन्टी भाई पाकिस्तान के कास्टर की बात सुनते हैं, रुको 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 आवाज बढ़ा देता हूँ। पाकिस्तान के कास्टर की सुनते हैं, रुको। हाँ क्या बोल ये आज के दिन में सिक्स फोर गाइस गाइस सिक्स फोर इनकी बात सुनो, इनकी बात सुनो। हाँ जी जनाब फरमाएं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो फरमाएं। उन्होंने माइक ही बंद कर लिया या पता नहीं क्या था। अरे जनाब फरमाएं, बिल्कुल मिस्टर डब्बू को बुलाओ यार। मैं तो कहता हूं मिस्टर डब्बू भाई को बुला लेते हैं, नोमी भाई का थोड़ा इशू चल रहा है तो मिस्टर डब्बू पक्कर को बुला लेते हैं, देखते हैं हमसे मतलब। ओ भाई साइको डाउन है भाई, नोमी भाई तो वहां के स्टार है मतलब यार। इंडिया वाले पहला राउंड जीत सकते हैं आसानी से, पहला मैच तो। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले मेरे वाले लॉटी भाई। शरारत सूझ रही है मुझे भाई, रहने दो यार, अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, मेरे थोड़ी है। मार दिया को खेल दिया बोल दिया। रेज और रे भाई रेज, बहुत अच्छा मारा मेरे यहाँ, फेल दिया मेरे सामने तो थे रेज के गाय भाई। नौ कहोगे 1v4 करना पड़ेगा तो पहला मैच इंडिया वालों की तरफ जाता है। आज बंदा बचा है कौन? खत्म कहानी खत्म। टीम प्लेयर दी अच्छा टीम प्लेयर कर दे, नहीं चलेंगे अब हमारे वाले बाकी ये हैं आज। साइको गाय भाई साहब, पहला मैच तो इंडिया जीत गया। अब मुझे इनका कंफर्म नहीं है कि इनकी इनका पिछला वाला इंडिया मैच जीत के गई थी इस बार, ये पिछला वाला पाकिस्तान मैच जीत के गई थी, ये वाला इंडिया जीतेगी। यहां पर जो है वो लेवी भाई के 13 किल हमारी टीम से भाई, टीम इंडिया यहां पर वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आई है यार। नौवीं भाई के 0 किल तो हमने बाजी ले ली, उनके स्टार प्लेयर नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 8 किल साइको, 6 किल 5 किल बुल भी के नौवीं तो बिल्कुल ही किल नहीं कर पाए और मिली ही नहीं है उनको यार। अच्छा हेज भाई तो अपने हैं, गुरु भाई है उनके। मैप चेंज करके देखता हूँ मैप, पता नहीं डाउनलोड है कि नहीं। अनलिमिटेड था ये, अनलिमिटेड ही तो है, अनलिमिटेड ही तो है। अब क्या गलती कर दी हमने? नहीं यही रहने दो, बरमुडा ही रहने दो। हाँ बरमुडा डाल दिया, अनलिमिटेड ही है यार, अनलिमिटेड ही तो है ब्रो। और पीसी प्लेयर वो चाहे कोई हो, सामने भी तो पीसी हमारे इंडिया वाले। नौकी भाई क्लीन शेव करवा लो, नहीं कभी कभी पीसी प्लेयर भी देख लेने चाहिए यार। पीसी प्लेयर इज वेरी गुड प्लेयर यार, तुम भी यार स्टार्ट कभी कभी पीसी प्लेयर को देख लो। चलो स्टार्ट, इसके बाद होने वाला है ना वो। हाँ जी, इसके बाद मोबाइल प्लेयर होने वाला है। हाँ एनजी एंग्री आएगा। हाँ एंग्री वर्सेस, एंग्री का वर्सेस होने वाला है पाकिस्तान के गॉडजिला के साथ। गॉडजिला पाकिस्तान के गॉडजिला प्लेयर के साथ, पांडिया फॉर एमआई, पांडिया फॉर जीटी। अरे नाइट नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट है मैंने तो, मेरे को तो पता ही लग गया था ये रॉकी भाई थोड़े ढीले पड़ जाते हैं इन बातों में। कतई वाहियात कमेंट था जब मुझे इसका मीनिंग अब समझ में आया। वाहियात कतई वाहियात कुछ भी भाई। ची 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 यार, कैसे
कैसे से लोग तुम रॉकी भाई की उसमें जाते हो ये कमेंट मेरी चैट से चाहते क्या होता है गुरु भाई मेरे साथ आज कुछ भी यार बंद कर लेंगे ना आपके साथ चलो गाइस यहां पर एग्जाम मैच स्टार्ट हो गया अगर इंडिया वाले वालों से नहीं पूछा सिर्फ कृष्ण मैडम से बट उसके बाद भी एक मैच ओ भाई ओहो वॉल्वी ग्लू में फंस गए थे क्या हेड दिया वहां पे बादल ने यार ये एक वन टैप तो बनता है एक वन टैप तो बनता है ब्रो क्या बात है अरे नाइस अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नोमी भाई बैक करते हुए गाइस टू नोमी भाई की रेड नोमी वर्सेस इस मैच में एक भी ये बंदा चल गया ना नोमी दिक्कत डाल देगा सामने से बहुत खतरनाक प्लेयर नॉक कर दिया कम होती हुई नोमी अकेला बचा है और सामने दो प्लेयर है देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा बचा है यहाँ पर क्या बात है दो है प्लेयर सामने अरे फंस गया बच गया फिर से बच गया फिर से बच गया फिर से बच गया तो यार एक आध शॉट लगेगा तो मजा आ जाएगा क्या बात है अरे वाह नाइस ये इस बार नोटा मतलब नोटा भी अच्छा खेलता है यार फिर भाई आपकी वही उनकी क्या बात कर दिया नोटा इतना बढ़िया खेल रहा है हमारी में इंडिया टीम से नोटा के आगे कोई बोल सकता है क्या अरे कोई बात नहीं आवाज आ रही है कोई बात नहीं गुरु भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें भी मजा आ रहा है एक तरीके की इंडिया पाकिस्तान जुगलबंदी में चल रही है कोकास्टिंग मजा आ रही है मजा आ रही है म्यूट मत करना गुरु भाई चलते रहना चाहिए जॉन्टी भाई को बोलो पाक जीतेगी जल्दी बोलने जॉन्टी भाई तो बोल चुके पाकिस्तान जीतेगी जॉन्टी भाई ये लोग क्या बना रहे हैं आपको मेरे भाई लोग हैं ये ये मेरी लाइफ देख देख के मेरे जैसे हो गए हैं और अब मुझे पे कर रहे हैं चल भाई किलर वन टैप दे खा दे ओ भाई नोमी ये नॉक शायद मिल जाएगा नोमी को साइको लेकिन पीछे डाउन साइको को डाउन दिया फिर से नोमी आगे बढ़ते हुए कोशिश अभी भी जारी है इंडिया के चारों प्लेयर्स मुस्तैद नहीं ये राउंड इंडिया के पास जाएगा नोमी चाहे वहां पे एक नॉक निकाल भी देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ये टीम बहुत हार्ड टीम है यार हमारी इंडिया की बहुत हार्ड टीम है यार बादल फिलर एक ही टीम में साथ में लेविक्स और नोटा चांस बहुत कम है भाई गाइस इसके बाद मोबाइल प्लेयर का वर्सेस होने वाला है मोबाइल प्लेयर में हमारी तरफ है एमजी एंग्री प्राइम और दूसरी तरफ है हमारे गॉडजिला जी पाकिस्तान के सुपरस्टार गॉडजिला मुकाबला करेंगे गाइस इंडिया के 1v1 स्पेशलिस्ट और आर्ग्यूबली शायद 1v1 के सबसे बड़े सितारे माने जाने वाले भारत से एनजी एंग्री का भाई यार एंग्री का मैंने गेम देखा भाई सच में उसको हराना मुश्किल तो है यार 1v1 बैरल में हराना मुश्किल है अगर ये सब होगा तो शायद एक पल के लिए मैं मान सकता हूं ओम बम पर बैरल और डेजर्ट ईगल और वुडपेकर में हराना मुश्किल है अनलिमिटेड में तो मुश्किल है क्या हो रहा है एक बार एमजे को बोलो कि हॉटशॉट का जरा करवा दे किलर से ब्रो शायद हॉटशॉट अवेलेबल ही नहीं होगी भाई थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है अरे भाई पड़ी नोटा को लो जॉन्टी भाई डीसी जीत रही है 16 ओवर में बस 150 है अबे 16 ओवर में 150 है भाई 4 ओवर में जो 50 रन लगेंगे वो नहीं दिख रहे तुम्हें 200 रन का टारगेट है देखा मैंने आज यार इस राउंड में पाकिस्तान की वापसी हो सकती है इस राउंड में पाकिस्तान की वापसी हो सकती है वे बादल ने हेडशॉट लगाया जरूर था नोमी के पास बंदा नोमी के पास बंदा क्या बात है अंदर चले गया होगा प्लेयर अरे भाई डाउन है यार 2-1 हो गया 2-1 हो गया चांस ही नहीं है ये राउंड तो पाकिस्तान के बिल्कुल जेब में है और बहुत बढ़िया चलो पाकिस्तान की ओर से कमबैक इंडिया का गॉडजिला पाकिस्तान का गॉडजिला का 1v1 कराओ भाई डिलीट नहीं खेलता है क्लैश स्क्वाड कितनी बार बोलूं यार
गाइस तुम उसका एंग्री को खेलते हुए देखते, तुम कहोगे अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया खेलता है भाई। भाई मैं कुछ देखा, मैंने उसका 1v1 बहुत अच्छा खेलता है भाई, 1v1 बहुत ज्यादा अच्छा बढ़िया खेलता है यार 1v1। जोंटी भाई ज़ेरॉक्स और लीट M10 आएंगे क्या? वो 1v1 के सबसे हार्ड है एंड ज़ूस भी। ये कौन है? मेरे को ज़ूस का नाम तो लिया था नॉनस्टॉप भाई ने, पर पता नहीं, मैंने देखा नहीं यार, मैंने अभी एंग्री को ही देखा बस। उनमें से बेस्ट एंग्री है, खेला है मैंने उन सबके साथ, है ना। मैंने मैं एंग्री के साथ खेला है, बाकी मैंने ज़ूस और ज़ेरॉक्स के साथ नहीं खेला। अगर कभी हो पाया तो कर लूंगा, पहले एंग्री से एकदम वो तो हो जाए। ओके तूफान याद है आपको? हाँ अरे वो तो पूरा जॉन्टी भाई तूफान मूवमेंट देखने ना, तूफान को देखना आप चक्कर खा जाओगे। 3 राउंड अगर देख लिया उसको भाई कैसे प्लेयर है भाई, मैं तो अब देख रहा हूँ भाई। मेरे को मोबाइल किसी चाहे कितने भी अच्छे प्लेयर हो, पर मेरे को जो मजा मोबाइल प्लेयर देखने में आता है ना, वो उसमें नहीं आता है। अरे भाई गजब यार, इंतजार किया नोमी ने, सेटअप किया 3v3 फाइट है गाइस, और अच्छा सेट किया था प्लेयर को। लाजवाब, नोमी के पास मौका है, वन टैप आने वाला है, किलर भाई का वन टैप आने वाला है। देखो 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 देखो, किलर भाई का वन टैप आएगा अभी, क्या किलर भाई का वन टैप आएगा? बहुत ज्यादा लेफ्ट पिक की कोशिश है इस वक्त किलर से, महंगा पड़ेगा भाई। एंग्री वर्सेस ज़ेरॉक्स में ज़ेरॉक्स ने 7-2 से एंग्री को हराया है। एक आध बार हराया होगा, मैं मना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सामने वाले की जगह उसको दे दो। 2-2 हो गए। मुझे नहीं लगता 1v3 किलर इस पिंग में निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ओ भाई अरे एक नॉक तो जबरदस्त निकाला था, बट बहुत मुश्किल है 1v3 मुश्किल है यार, उसका पिंग भी वैसे भी वो चल रहा है थोड़ा। गॉडजिला रेस्ट पर है, 6 मंथ से कोई फायदा नहीं 1v1 एक्शन का, एक्शन को बुला लो। अरे यार तो मुझे उस दिन कहना था जब सैफा 1v1 कर रहा था तो मैं एंग्री को बुलाता, वो देखने को मजा आता फिर तो। हां उस टाइम पे शायद अवेलेबल नहीं था वो। हां उस टाइम पे एंग्री का पता भी नहीं था। तो फिर अलग मजा आता। जिस दिन नेड ऑन होगा ना जॉन्टी भाई, एक प्लेयर का मैंने बहुत नाम सुना है, बंदा बहुत मतलब बच्चा सा है, WL जैकी, नेड बहुत अच्छी मारता है, सुना है इंडिया में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा नेडर है वो। मैंने कहा मैंने आइकॉनिक देखा, तनेजा देखा, लीखी देखा, निवेश भी देखा, ये भी देख लेते हैं भाई यार। पाकिस्तान वाले जीत रहे गाइस, कैसे गाय किलर के पास मौका नहीं। कुछ करो MJ, बेबी FF फ्रॉम रसिया भाई। नोमी चल रहा है क्या? ठीक ठाक, मैं अभी भी नहीं कहूंगा ये नोमी का ए गेम है, नोमी और भी बढ़िया कर सकते हैं। लेविक्स डाउन है गाइस, ये बात तो है कि अभी तुम्हारे साथ ये वाली लाइव कर करके मेरे को पीसी प्लेयर से पता तो चल रहा है कौन-कौन पीसी प्लेयर कितना हार्ड खेलता है। चलो गाइस यहां पर 3-2 की सिचुएशन हो चुकी है, आ गए पाकिस्तानी कास्टर आ गए यहां पर देखने को मिल रही है टीम पाकिस्तान की जानिब से, और कमबैक आ चुका है जिस चीज को हम मिस कर रहे थे, यहां पर पाकिस्तान टीम की तरफ से कमबैक आ चुका है। और नो डाउट कि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और इंडियन टीम ने पहला मैच भी जीता है, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 तो यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा कि टीम पाकिस्तान हमारे साथ बना रही है। बिल्कुल कोई बात नहीं देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि आप और रेज का नेट चला गया क्या? अरे भाई रेज भाई क्या हो गया, क्रैश हो गया या नेट? अरे यार ये तो बहुत बहुत बड़ा गलत सीन हो जाएगा। मोए जॉन्टी भाई अरे भाई रोक का भी करवाऊंगा, इंडिया वाले भाई मैं थोड़ी करवाऊंगा भाई। हो गया भाई, अब मोए हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। रेज का नेट गया था भाई, 5 राउंड हो गए जॉन्टी भाई, ये तो रिमैच भी नहीं बोल सकते कमबैक करने का, क्योंकि
भाई साहब क्या बात है रॉकी एंड आरडीएक्स भाई को बोल दो गरीबों का ई स्पोर्ट्स क्रिएटर क्या हुआ किस किस चैनल में हो रही है लाइव वल रॉकी एंड आरडीएक्स सारे टीम ट्वीट क्यों कर रही है टूर्नामेंट की सिर्फ भी करेंगे आप लाइक भाई मैं बोलूं सारी टीमें इसलिए छोड़ रही है क्योंकि घर वालों का प्रेशर आ रहा है मेरी जान और घर वाले चाहते हैं कि बच्चे कुछ करें और बच्चे करना चाहते हैं ई-स्पोर्ट्स और बच्चों के लिए नहीं है यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स तो बच्चे भी क्या करें ऐसा क्या जेरोक्स इतना अच्छा खेलता है क्या तेज तर्रार एमजे जेरोक्स का भी पूछो जरा जेरोक्स निकलवाओ आई मीन जेरोक्स का गेम प्ले निकलवाओ अभी देखता हूं मैं जेरोक्स से पहले लाइव मैं भी एमजे को बोलता हूं वीडियो देखूंगा उसको क्या है बड़ा जेरोक्स कर रहा है तुमने एंगी गांधी देखा ज्ञान नहीं देखा तुमने इंटरनेशनल हरा दिया इंटरनेशनल ज्ञान बोला करो गलत से ओए साइको को पड़ी साइको की पड़ी इंटरनेशनल ज्ञान रख दो इसका नाम इंटरनेशनल ज्ञान मुझे लग रहा है इंडिया लीड लेगा सर इस राउंड में इंडिया लीड लेने वाले हैं मेरे को लग रहा है इस राउंड में भाई नोटा गलत टाइम पे नॉक हुए हैं गए विजिटा भी गए फोर थ्री योटो किलर्स आप भी माइक ऑन करें मुझे आपकी वॉइस चाहिए अच्छा मेरा माइक तो ऑन ही है जॉन्टी भाई अपने कैसे ऑन कर सकते हैं अपना तो माइक ना आ रहा वो खोल लो नीचे माइक बटन आ रहा है कहां आ रहा है नहीं आ रहा मेरा तो आ रहा है मेरा ब्लू स्टैक्स में तो ना आ रहा मैं अगर मैं माइक ऑन करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाती है पिंग तो मेरा भी आ ही जा रहा है इसका मतलब पिंग जा रहा है माइक ऑन योटो किलर्स भाई माइक नहीं दिख रहा मुझे माइक का भी है माइक का है माइक भी इसी के नीचे रहेगा नहीं है यार इसको तो सेव कर दिया आपको कंट्रोल से डिफॉल्ट करने पड़ेंगे पहले उसको ले 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 अरे इसको कस्टमर में ले वो रीसेट आ रहा होगा वो बचाओ 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 वो ऊपर प्रीसेट 2 के नीचे किसके नीचे प्रीसेट 2 ऊपर लिखा है प्रीसेट 2 हां इसके नीचे हां वो देखो हां वो तो बैक कर दे वो आ जाएगा बढ़िया आ जाएगा आ जाएगा ये प्रीसेट 1 में आएगा 2 में ही आएगा 2 देखो आप टू रखेंगे तो पूरा ये वाला चेंज करना पड़ेगा मुझे इसको रुक जाओ नीचे कर देता हूँ बादल पे चढ़ रहे हैं बड़ा नहीं होता क्या सही जा रहा होगा बादल डाउन वन ये जो राउंड आ गया हाँ जी माइक अपना भी ऑन हो चुका चलो 4-3 अभी तक तो कमबैक हो चुका है ऐसा लग रहा है और भाई 4-4 फाइनली मैंने नोटा के बारे में कब बोल दिया नोटा तो अच्छा ही खेल रहा है हां जी कैसे हैं आप सर अरे सर बिल्कुल वायरल हुई जान से तो उनके में आया था हां याद है बिल्कुल याद है सर कैसे हैं मैं काफी चीज रिश्तेदारी मिल गई वो जा रही है वहां पर आप नहीं बढ़िया यहां पे भी सब बढ़िया हैं मेरे साथ जॉन्टी भाई भी हैं आपके वहाँ पे कैसे हैं सब बताएं और हमारे यहाँ पे कैसे हैं सब बेहतर है कांटे की मैच चल रही है ये वाला मैच बड़ा अरे नहीं रेज का नेट गया फिर से नहीं उनका ये फायदा उठाया हमारे प्लेयर नहीं यार नहीं कर पाएंगे आई थिंक उनका लाइट का इशू होगा तो अभी 3v4 ही चलता हुआ दिखने को मिलेगा फिर से वेजिटा के पास बोले नहीं वेजिटा ये दिक्कत में पड़ जाएंगे बादल पीछे हटते हुए जी अभी भी लग रहा है साइक ने इस बार वॉल्वी नॉक साइको फिर से कोशिश कर अरे क्या बात है साइको लाजवाब वन टैप बहुत बढ़िया किल सिक्योर करने की
अच्छी कोच आओ शॉटगन है और नॉक निकलेंगे 1v3 साइको वन टैप और बहुत बढ़िया क्या बात है लेकिन इस बार नहीं तीन अलग अलग दिशाओं से मारा है भाई साहब क्या बात है अनफॉर्चुनेटली रेज का नेट चला गया यार रॉकी भाई वॉइस का वॉल्यूम इंक्रीज करें मेरा या मेरे साथियों का ये बताओ भाई की बात पे वो करेगा क्या शक कब मेरे उसको ये तो इंडिया जीत ही गई है मेरे को पता ही है 7-4 होना ये हाँ क्योंकि रेच है भी नहीं जॉन्टी भाई मुझे लगता है 213 जो आपने कहे उसके भी पार जाएगा स्कोर उनका कितना हो गया एक मिनट या तो 70 ओवर में 200 नहीं 17.5 ओवर में 181 अरे 213 रन सपना आया था ना मेरे को अच्छा ये मौका है वॉल्वी पे अरे ये नॉक अगर निकाल देते वॉल्वी 5-5 हो जाता कम निकाल दिया है क्या बात है अरे क्या बात है लाजवाब 3v4 बैटल कर रहे हैं जॉन्टी भाई लेकिन जज्बे में जरा सी भी कमी नहीं लड़ने का जज्बा भरपूर ये गए एलिमिनेट और नोवे ने फिर भी कहा नहीं ऐसे कैसे 5-5 पूरा मौका है पूरा मौका है पर इंडिया जीते आई थिंक साइको का नेट भी जा चुका है तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम थोड़ी सी जो है वो डिसएडवांटेज में जाने वाली है एब्सोल्युटली साइको का भी नेट गया हां एग्जैक्टली दोनों प्लेयर्स यहां पर रेज और साइको का नहीं नेट गया साइको का भी नेट गया और रेज का भी गया अब तो कोई चांस नहीं है यार साइको बढ़िया खेल रहा था रेज का तो साइको का क्योंकि रेज का तो बैक हो गया साइको भी गए रेज का तो बैक ही हो चुका है गेम मजा आ रहा था यार कांटे की टक्कर चल रही थी 2v4 तो चांस बहुत कम है भाई साहब नोमी को देख रहे हो जोंटी भाई अभी भी लड़े जा रहे हैं का तो कोई फायदा है ही नहीं गए ज़ेरॉक्स अवेलेबल नहीं है एमजे से बात हो गई ज़ेरॉक्स आज अवेलेबल नहीं है स्टॉप स्पैमिंग स्पैम करे कोई फायदा नहीं है अरे ज़ेरॉक्स अगले दिन कर लेंगे यार अभी पहले उसका करेंगे मेहनत करनी है करते रहो बट आज नहीं है मत कर भाई आज होगा तुम्हारा प्लीज डोंट स्पैम फॉर ज़ेरॉक्स ज़ेरॉक्स इज नॉट अवेलेबल टुडे बात हो चुकी है मेहनत मत करो एंग्री तो है ही एंग्री आ रहा है ज़ेरॉक्स का भी मैंने पूछा था तो मेरे को एमजे ने बोला आज अवेलेबल नहीं है रॉकी भाई कल कोशिश करते हैं अभी होने वाला है गाइस रॉकी भाई इसके पास वन जी बनने क्या हां जी गॉडज़िला का एनजी एंग्री के खिलाफ मुकाबला है एक पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं गॉडज़िला ई-स्पोर्ट में तो नंबर 1 कह सकते हैं उनको बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं यहां से भी मोबाइल प्लेयर ही खेलेगा वो एनजी एंग्री अरे बट वो फ्री स्टाइल प्लेयर है ना एंग्री थोड़ा सा तो डिफरेंट गेम प्ले रहेगा दोनों हां वो तो है मजेदार है एंग्री रेडी है ना हां एंग्री तैयार है एंग्री रेडी है एंग्री तो रेडी है क्या बात है गुड बोलता बट रॉकी भाई चलो गाइस इंडिया वाले जीत गए कि ज़ेरॉक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है मतलब मैं भी मेंशन करता हूं उनको नहीं ज़ेरॉक्स अवेलेबल नहीं है ज़ेरॉक्स आज अवेलेबल नहीं है कल आ जाएंगे कल कोशिश करते हैं हम पूरी एक्चुअली क्या रहता है ना बच्चे यंग हैं सब और हमारे यहाँ अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे हैं 10वीं की तो ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है जनाब बाकी कोशिश तो पूरी है हमारी वन टैप कस्टम चलिए अब इस वन टैप कस्टम अब आने वाले हैं इंडिया से एंग्री सामने होंगे पाकिस्तान का सबसे सुप्रतिम ई-स्पोर्ट्स एथलीट गॉडज़िला और इंडिया का भाई अभी का सबसे बढ़िया प्लेयर है ये एंग्री सबसे बढ़िया जीना का इंटरव्यू हो गेम प्ले नहीं देखे अबे जीना अगर जीती तो उसका इंटरव्यू भी लूंगा मैं बोलो हाय हाउ आर यू जॉन्टी भाई गैन है आप गैन है तो वैसे कहना पड़ेगा जॉन्टी
जॉन डी वाइन ने कहा जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेंगे, दो खिलाड़ियों का नेट चला गया। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ जॉन डी वाइन, कतई पनौती डिस्ट्रॉयर मैं, डिस्ट्रॉयर। ओ भाई, बट कुछ भी बोले जॉन डी वाइन बहुत प्यारे इंसान है भाई, है ना? बहुत प्यारे इंसान है भाई जॉन डी वाइन से आप बात करो दिल खुश हो जाएगा आपका। मेरे साथ कभी एक दिन बिता के देखो, तुम कहोगे अरे भाई ये बंदा क्या बंदा है, आसा आसा के पागल कर देता ये। अरे वो कहाँ है एंग्री? अरे 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 दे दिया मैंने एमजे को जस्ट मैसेज किया, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ एंग्री भाई, देखो बहुत टाइम हो गया भाई आ जाओ। देखो मैंने, मेरे को जियान ने बोल दिया कि भाई एंग्री और जेरोक्स और जूज में से एंग्री टॉप पे है, तो इसलिए मेरे लिए एंग्री टॉप पे है भाई, सीधी बात। अब एंग्री के, एंग्री का जब मैं वर्सेस कराऊंगा जब मैं देख लूंगा, पर अभी के लिए तुम ये देखो कि हमारा एंग्री मोबाइल प्लेयर वर्सेस, अब तुम ये मत कहना मोबाइल प्लेयर, अब देखो तो मोबाइल प्लेयर की शक्ति। और इसका नेट का इशू तो नहीं होगा अब, ये तो नहीं पता मुझे जॉन टी वाई, बट जो भी है गॉडज़िला भी बढ़िया खेलता है, ये भी बढ़िया खेलेगा, देखते हैं टक्कर तो होगी कांटे की। हाँ ये भी है रॉकी भाई, जियान दफीक किलर पहाड़ी को हॉटशॉट के खिलाफ वर्सेस करने में बोलो। देखो तीन खिलाड़ी तो मैं समझ सकता हूँ, जियान तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, दफीक भी किलर भी खेल ही लेगा, पहाड़ी का मैं श्योर नहीं हूँ, पहाड़ी से पूछ के देख सकते हैं वैसे। क्या ये बुरी राम? अरे गाइस यार उनका ना टूर्नामेंट चल रहा है मेरी जान, वो तुम्हें पता है वो कितने बड़े प्लेयर है यार, उनका टूर्नामेंट चल रहा है, वो अपना टूर्नामेंट छोड़ के यहाँ कस्टम खेलने थोड़ी आएंगे मेरी जान। जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो सामने से खुद ही बोल देते हैं कि हम वर्सेस करने आ रहे हैं, और बुरी राम सामने से आएगी, आप चिंता मत करो सामने से आएगी। सी ट्रिपल जी तो आ ही जाएगी, सी ट्रिपल जी तो आएगी, सी ट्रिपल जी तो आज भी खेलना था बट फिर अपने क्रिएटर्स फ्री नहीं थे, और ये अपना सी ट्रिपल जी का वही टाइमिंग का इशू हो गया जॉन डी वाइन, वो रात को फ्री है और रात को आज आईपीएल के दो मैच है। सी ट्रिपल जी का आप समझो उसका चल रहा है यार वो थाईलैंड में टूर्नामेंट, अभी उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो उसको बेस्ट देगी। एंग्री प्राइम जी गाइस वेलकम करिए एंग्री प्राइम का, एंग्री आ चुका है गाइस, सारे बंदे एंग्री का एस्ट्रा लगा दो। अभी तुम्हें वन टैप, अभी तुम्हें पता चलेगा कि वन टैप क्या होता है। मस्ट वेलकम जो सच्चे वही लिखा जॉन्टी भाई, बहुत तारीफ सुनी है ब्रो, मोस्ट वेलकम। ये एंग्री एनजी एंग्री बहुत सुनी है, मैं नॉर्मली जब वो फुल मैप भी कर रहा होता हूँ ना तब भी बंदे बोलते थे जेरोक्स को बुलाओ, एंग्री को बुलाओ, एक और खिलाड़ी है मेरे को याद है वो स्नाइपर में बढ़िया खेलता, मेसी 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 को बुलाओ। लोगों का प्यार ज्यादा इसलिए है ना क्योंकि एक मोबाइल प्लेयर है ना, मोबाइल प्लेयर में अगर वो उतना कर रहा है वगैरह अच्छा तो लोग और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइव वो क्या कहते हैं मोबाइल प्लेयर में अगर उतना अच्छा खेल रहा है तो यार सपोर्ट करते हैं, अभी जैसे अपना किलर खेलता है, जियान खेलता है, जेरोक्स ने 1v1 में तूफान को 4 राउंड हराया था, बढ़िया भाई। ऐसे तो मैंने भी जियान को 7-8 बार 0-0 से हराया है, तो क्या मैं प्रो नहीं हूँ? बैक द स्टेज हराया है लेकिन हराया है। मैं जियान गॉडज़िला हाँ हाँ सब पाकिस्तान के सारे अच्छे खासे नामचीन खिलाड़ी। ये चालू हो गया गाइस, चालू हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया, पर इंडिया से चालू हो गया। चलो चलो एनजी है ना, अब दिखाऊंगा तुम्हें एनजी एनजी एनजी, अब देखो तुम एक्चुअली 1v1 वन टैप वन टैप एंग्री प्राइम लाजवाब मैच देखने को मिलने वाला है। अगर सिर्फ डेजर्ट लेके जाता ना भाई मैं समझ जाता भाई, या तो सही में राजपूत है या पठान है, एड़ा दिमाग का भाई सही में भाई। 202 बन गए, एक ओवर बचा है, क्या कह रहा हूँ, 213 रन, 213 रन। अरे भाई साहब गॉडज़िला भाई, गॉडज़िला भाई, गॉडज़िला भाई तुम्हारे सामने आज जो प्लेयर खेलने आया है ना भाई, आजकल वेट करते हुए एंड एंग्री सोच रहे गया का बंदा।
That's right. आगे 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 आगे. Okay. Godzilla भाई सामने से आते हैं भाई angry है भाई. लाखों दिलों की धड़कन. Double barrel. और ये net जा रहा है शायद. ये net जा रहा है Godzilla का. चालू. चलो हो गया finally भाई. Finally. Angry भाई आज करके दिखाना है भाई. Finally. ये मौका एक बार फिर से दोनों खिलाड़ियों के पास मौका. ये कुछ संकेत देने की शायद कोशिश कर रहे हैं Godzilla. नहीं भाई एंग्री सही है. ओ भाई हेलमेट गायब. क्या बात है Godzilla. बहुत आला शॉट. हील करने की एक बार फिर से कोशिश एंग्री द्वारा. लेकिन Godzilla मौका शायद उतना देंगे नहीं. ऊपर से जाना पड़ेगा. तुरंत रश करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा हेल्थ बची नहीं थी एंग्री पे. एक बार फिर से Godzilla का यहाँ पे जबरदस्त कोशिश. और ये नहीं डिस्टेंस बनाया. एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पे वुड पिकर भी है. पता ही था जब डिस्टेंस मेंटेन किया है तो वुड पिकर ही उठाई जाएगी. वन टैप की कोशिश है दोनों तरफ से. यहाँ पे एक बार फिर से ओह माय गॉड दैट वाज सम शॉट. स्टैंडिंग ओवेशन. दैट वाज सम शॉट पाकिस्तान को. पाकिस्तान को 7 तारीख को पता चलेगा कि एंग्री गया रिस्टार्ट करने. आ गया. लाखों दिलों की धड़कन. वन टाइम माइट भी नहीं. आन बान चान. अरे Godzilla भाई रुको. आन बान चान एंग्री प्राइम. चलो इसने अपने आगे प्राइम नहीं दिखा गाइस. ओके 1v1 और भाई साहब मौका Godzilla पे. Godzilla पे मौका बहुत ही जबरदस्त. वो पीछे है. इस राउंड में Godzilla थोड़े ज्यादा शार्प लग रहे हैं नहीं जंडवे. अभी अरे अभी शार्पनेस निकालेगा. तुम देखो एंग्री क्या कोई नहीं बोल सकता भाई. जी एंग्री कोशिशें पूरी करती हुई. और यहां पे डेजर्ट का ही आएगा देखना तुम. डेजर्ट का ओके पैरल. अरे दे दिया. इस राउंड में थोड़ा शार्प दिख भी रहे थे वो भाई. इस बार तो सही कह रहे हो. थोड़ा शॉर्ट रेंज में आने चल भाई एंग्री. Godzilla भाई वी बैच है भाई. देख रहे हो वी बैच ना तारे. और उस चीज में पहले एंग्री को फायदा हुआ. मोबाइल प्लेयर वी बैच Godzilla को फायदा होता हुआ देखने को मिला. इधर हमारी तरफ कौन है एंग्री. पार्क पर से इंडिया. और इधर है Godzilla. रणनीति बहुत ही जबरदस्त है. दोनों खिलाड़ी कहना पड़ेगा जॉन्टी भाई अलग अलग किस्म के. एक थोड़ा वो ई स्पोर्ट्स के हिसाब से खेल रहा है कि लेफ्ट पिक नहीं दूंगा सामने वाले को अपने राइट पीक में मारूंगा. और दूसरी तरफ एंग्री है कि बस दिख जाएगा खोपड़ी थोड़े टाइम के लिए. वो बुला रहे हैं ओपन में जाने की. ओपन लेकिन मस्त बात ये है कि दोनों वन टैप मार रहे हैं. हाँ आता तो दोनों. ओ भाई ओ रे भैया और क्या भाई एंग्री भाई द लेजेंड गाइस. इंडोनेशिया से कभी कोई आएगा तो करवाऊंगा वर्ष में. चिंता मत करो. इंडोनेशिया कह रहा थाईलैंड से. चल एंग्री कोशिश पूरी जबरदस्त करते हुए लीड पे भी है इस वजह से 2-1 से. Godzilla को रिलैक्स होकर खेलना पड़ेगा क्योंकि इनकी रणनीति सही है. अगर एंग्री को बार बार लेफ्ट पिक देने के लिए मजबूर अगर करते हैं तभी बात बनेगी क्योंकि हर बार राइट से अगर इनको पिक. ये Godzilla का नेट जा रहा है या क्या कोशिश है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. पड़ी लाल तो इस बार भी हुआ है अच्छा खासा. ना 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 ना, ना लेफ्ट से बिल्कुल नहीं. हाँ लेफ्ट से अगर कोशिश करी काम तमाम है. Godzilla को सिर्फ एक शॉट चाहिए. चल भाई एंग्री प्राइम हील करने के लिए. अभी भी एंग्री कोशिश तक नहीं कर रहे हैं. उनको पता है कि एक पिक मिल जाए
तो पहले सामने वाले का हेलमेट हमें निकाल, दोनों तरफ से शॉट का आदान प्रदान, लेकिन ज्यादा डैमेज एंग्री को पड़ी है। गॉडज़िला एक बार फिर से, इस बार मूवमेंट तेज दोनों का, हील करने के लिए विवश कर दिया एंग्री को। दोनों का मूवमेंट तेज, दोनों पेस अटैक करने के फिराक में। मानना पड़ेगा भाई गॉडज़िला भी बहुत अच्छा। अरे इस बार मुझे लग रहा है जंप शॉट से फैसला होगा, इस बार मुझे नहीं लग रहा दोनों वन टैप की कोशिश कर रहे हैं। जंप शॉट माइट बी, नहीं नहीं पड़ेगा तो वन टैप ही। मौका नहीं दे रहे एक दूसरे को बिल्कुल भी, बॉल के पीछे पीछे है ना, मौका दे ही नहीं रहे। बैरल जैसे डीगल अभी तक उठा ही नहीं है दोनों में से किसी ने इस राउंड में। चलिए उठा लिया एंग्री ने, एंग्री भी से मूवमेंट के लिए ही उठा रहे हैं। नहीं राइट से आ रहे हैं गॉडज़िला, उनको परखने में गलती कर गए थोड़े से। जोन जा रहा है, जोन जा रहा है, जोन जा रहा है। श्रिंक शिफ्ट करता, अच्छा इस्तेमाल। चल भाई एंग्री एंग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे लाजवाब भाई, वन टैप फाइनली गलती की। जॉन्टी भाई राइट से आए हैं गॉडज़िला लास्ट में, बोलो ना वो पीक मिल नहीं रही थी। हाँ। भाई बोला था 234 लास्ट ओवर 32 रन मार दिए, लास्ट ओवर 32 रन मार दिए भाई। बोला तुम्हें मुंबई जीतेगी यार, तुम मेरे पे शक करते हो। टीम डेविड पागल है साला, हट भाई। गाइस जो भी नहीं प्लीज लाइक करो, चैनल पे करो, सब्सक्राइब कर दो। गाइस एंग्री जैसा बंदा नहीं देखा होगा तुमने, एंग्री 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 भाई तबाही मचा रहे हैं गाइस 1v1 में भाई। कसम से दिल खुश हो गया इस बंदे का गेम देख के। किसी रोमेरियो ने 400 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए, 400 के स्ट्राइक रेट से। हाँ मारा होगा यार भाई साहब, 40 मारे, 10 बॉल में 40 रन। जंटी भाई क्या चल रही है? ऐसे मैच ही मिस करता हूँ मैं। आज मैं बात करके आया था नेट प्रैक्टिस में, हार्दिक पांड्या को समझाया भी था कि टीम को ऐसा ऐसा करवा। तो हार्दिक क्यों अच्छा नहीं खेला? उसने सुनी नहीं ना। ओ भाई गया एंग्री का हेलमेट, गायब है सर हेलमेट ना के बराबर है गॉडज़िला। छोटा ग्लू वॉल ब्रेक करके निकला एंग्री, मौका भी है दस्तूर भी है। गॉडज़िला गॉडज़िला इस बार वही किया जिसके लिए वो विख्यात है, कहना पड़ेगा। जॉन्टी भाई इस बार ईस्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस काम आया, विवश कर दिया उसको राइट से आने में भाई। उस बार हाँ, इस बार जो पीक नहीं दे रहा था और लास्ट में पीक दिया था उसने मार दिया, इस बार उसने ज्यादा पीक दे दी। एकदम निकला ना जैसी बोल से वही, मतलब एक सेकंड्स मिलता है, एकदम 0.2 सेकंड मिलता है, उतरे में मार दिया तो मार दिया। और राइट हैंड साइड से ही आने को विवश किया उसको भी। दुनिया पहचान जाएगी। बढ़िया पड़ा पंत भाई, टूट गए ओ भाई, ज्यादा डैमेज नहीं आया है। कब चलती है गोली गाइस, समझ नहीं आता इतनी जल्दी। अब मैं तो गोली भी नहीं देख पा रहा हूँ, दो राउंड तो मुझे गोली दिखी तक नहीं है। ये देखो गोली चल गई है उसके। ओ भाई चल भाई एंग्री एंग्री एंग्री, आज तू ही है मेरी जान, आज तू ही है, तू ही करेगा एंग्री। दोनों तरफ डैमेज आया है लेकिन अगेन एंग्री को ज्यादा डैमेज पड़ी है। तू ये एंग्री जो भी है दिखा दे आज गॉडज़िला को, वन टैप दे सीधा। मौका फिर से एंग्री के पास, पूरी एचपी आ चुकी है। गॉडज़िला ने अभी तक हील नहीं करा है। ओ भाई मिस हुआ, ये मिस बहुत महंगा पड़ सकता है। फिर से हेड मिस, एंग्री प्राइम फिर से कोशिशें जारी। अब जो मैच हो रहा है ना गाइस, दो लेजेंड्स के बीच में हो रहा है। ओए 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 दिया तो है, जो हल्की भी पीक नहीं देंगे एक दूसरे को, हल्की सी भी पीक, अगर हल्की सी भी पीक दी तो समझो वन टैप पड़ा है, हैकर वाला वन टैप एकदम।
वो तो ठीक है मोदी जी, ये बताओ इतने सारे फेक सुपर चैट कर कैसे रहे हो आप? ये बुला तो लूंगा ज्यूस और जेरोक्स को कल, लेकिन इतने फेक सुपर चैट करके भाई साहब दे दिया भाई, क्या मारा है बंदे ने। मैं कह रहा हूँ ना, इतना सा मौका मिला ना, इतना सा मौका, इतने से मौके में ही हेड पड़ जाएगा, इतने से मौके में ही वन टैप है, इतने से मौके में। सेम चीज उस दिन ये कर रहा था जियान, ऐसे ही सेम, वो सैफा इतना सा मौका दे रहा था, उतने में बैरल का हेड। भाई एंग्री ओपी यार, 4-2 से एंग्री आगे, 4-2 से। जॉन्टी भाई को बोलो बीजीएस में टीम एलीट का नाम बताएं, सभी प्लेयरों के नाम बताएं। अरे मेरी टीम खरीदी है, वो मेरे मैनेजर से बात करो, मेरे मैनेजर ने साइन किया है उनको। मैं अपने मेरे कॉल माय मैनेजर एमजे। बाकी भाई ये क्या बात हुई, आप एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर से वन टैप करवा रहे हैं? ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को वन टैप करने किसी ने बोला नहीं है, उनकी मर्जी, वो चाहे वन टैप मारे चाहे बॉडी मारे, हमें क्या। अरे ये भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है यार, गॉडज़िला भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर ही है, और हमने मना नहीं किया है कि गॉडज़िला भाई आप जो है नॉर्मली ई-स्पोर्ट्स जैसा नहीं खेलेंगे, प्लेयर्स के ऊपर है, वो चाहे तो सिर्फ हेड के लिए देखें, वन टैप के लिए देखें, या तो जैसा ठीक लगे वैसा खेलें। ए भाई क्या बात है भाई, गॉडज़िला भाई दम है भाई, बंदे भाई, मुझे लगा वन साइडेड होगा ये, तो तुम कुछ और ही दिखा रहे हो भाई। दो तीन राउंड मुझे ऐसा लग रहा है बंदा कुछ नेट का इशू फेस कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आते आते प्लेयर इनका खुद ही दौड़ जा रहा है, रुक जा रहा है, अब यहाँ पे सही दिख रहा है। मुझे इतना पता है मोबाइल प्लेयर वर्सेस मोबाइल प्लेयर है, मोबाइल प्लेयर वर्सेस पीसी प्लेयर होता तो फिर भी मैं रो देता, मोबाइल प्लेयर वर्सेस मोबाइल प्लेयर है, सामने वाले का, सामने वाला अपने रीजन में लेजेंड है मोबाइल में, उसको काउंट करते हैं कि हाँ भाई वो अच्छा प्लेयर है, और हमारे में एंग्री को काउंट करते हैं, इसलिए दोनों का वर्सेस हो रहा है।99 ऐसा चल रहा है, पर ठीक है अपन तो स्पेक में है, अपने वो नहीं खेलना, इन्होंने खेलना है। आ गया, चल 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 एंग्री, दोनों आ गए, वन टैप ए जोन के बाहर नहीं है। ओ भाई बढ़िया, राइट पिक के लिए गॉडज़िला बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और ए दे दिया रे, गंदा वाला दिया है, हेड के पड़खच्चे उड़ गए, किस्मत थी गॉडज़िला की, अभी तक नॉक नहीं हुए, वन टैप की कोशिशें जारी थी, हील करना पड़ेगा, हील तो करना ही पड़ेगा। मैडी मारने दे, लेकिन सर्कल जो है इसकी तरफ है, एंग्री की तरफ। निकल गया। ओह वाओ क्या बात है गॉडज़िला, क्या मारा है गॉडज़िला ने भाई, ये शॉट मैंने देखा है पहली बार जॉन्टी भाई बैठे हुए ड्रैग डेजर्ट से। ये गेम हो जाएगा इधर, दैट वाज इंप्रेसिव, दैट वाज सम शॉट। इंपैक्ट प्लेयर में मेरी जगह कोई और है तो मैं इधर आ गया हूं अभी वर्सेस करवाने, वहां पे इंपैक्ट प्लेयर में मेरी जगह कोई और फील्डिंग करेगा आज, समझ रहे हो? हां मुंबई इंडियंस के मैच में इंपैक्ट प्लेयर में कोई और जा रहा है मेरी जगह, मैं बाहर बैठा हूं आज, इधर आ गया हूं अभी एकदम से, प्राइवेट प्लेन से आया हूं इधर। चल भाई 4-4 टक्कर है, टक्कर सामने वाले, टक्कर। गॉडज़िला फिर से कोशिश करते हुए, चल एंग्री, चल 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 आएगा आएगा, पड़ी एंग्री
अब गोली की आवाज आई है, वरना पहले तो गोली की आवाज भी आ रही थी। ओ भाई गॉडज़िला खतरनाक खेल रहे, मजा आ रहा है। मिस हो गई भाई, मिस हो गई। गॉडज़िला बोल लगा रहा है मस्त करते हुए। अरे ये शॉट मिस कर दिया गॉडज़िला ने, बट एंग्री ने नहीं किया मिस इस बार, क्या बात है। लाजवाब शॉट, इतनी एक्यूरेसी होती है ना गाइस, इतनी एक्यूरेसी होती है ना कि बंदा दिखाया तो बस पड़ गया वन टैप, इतनी एक्यूरेसी। ज़ियान वर्सेस परिया, ओ ज़ियान तो रेडी है, ज़ियान तो रेडी रहता है भाई, ज़ियान ऑलवेज रेडी, बस सोता ना रहे। वो तो मैं भी रेडी रहता हूं, मेरा तो किसी भी गर्ल्स के मैच के साथ वर्सेस करा दो मैं ही जीतूंगा। ब्रो गाइस जो मैं ज़ियान जैसो को हरा सकता हूँ 7-0 भी 18-30-40 बार, बाकी तो क्या ही है मेरे आगे। वो भी 1v1 बैरल स्पेशलिस्ट जॉन्टी गेमिंग अनलिमिटेड कस्टम विद ग्लू वॉल। ये मुझे लगता है गलती कर रहे हैं एंग्री पानी में, पानी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, गलती कर रहे हैं। गॉडज़िला पीक लेने में माहिर है बंदा। हाँ अब सही है, ज़्यादा मूवमेंट कर पाएंगे एंग्री। थोड़ी सी पीक मिली और गाइस उतने में हेड है, बस इतनी सी पीक दे दे, मैं कह रहा हूँ इतनी सी। वो बोलेगा भाई पानी में नहीं, पानी में क्यों दी मैंने पीक। और ये राउंड अगर एंग्री जीतता है तो एक तरह से चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेफ्ट पीक है, लेफ्ट पीक से मत कर मेरी जान, लेफ्ट पीक से मत कर एंग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच कैसे गया इतना, बहुत बढ़िया छोटा वन टैप कैसे। नहीं ये तो कनेक्ट नहीं हुआ अच्छे से। जोन आ रहा है, जोन आ रहा है, जोन आ रहा है। मेडी मार, मेडी मार, मेडी मार पहले मेडी। बट दोनों प्लेयर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, मोबाइल में खेल रहे हैं फिर भी इतनी ग्लू लगा कैसे पा रहे हैं भगवान जाने। हाँ और मौका नहीं दे रहे, देखो ना एकदम लास्ट सर्कल तक जोन आ रहा है, लास्ट सर्कल तक कोशिश पूरी जा रही है गॉडज़िला। अरे भाई हेड की कोशिश, हेड की कोशिश, क्योंकि पता है अगर भाई अगर अपने जैसा होगा ना कोई, अपने जैसा अभी तक तो खत्म हो चुका था आराम से। इतना पीक दे देते हैं, यहाँ पे पीक ही नहीं दे रहे एक दूसरे को, जिससे कि क्या सामने वाले को मौका ही नहीं मिल रहा है कि भाई उसको वन टैप मार दो। देखो ना मैं तो बस यही चीज देख रहा हूँ जोंटी भाई, ग्लू भी एक भी ग्लू गलत नहीं लगी है इनकी। ये इस बार नतीजा आएगा लग रहा है भाई, दोनों को पड़ा है अच्छा खासा भाई। एंग्री तो बहुत कम एचपी का बचा है। गाया और गाया 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 6-4 भाई, बहुत बढ़िया एंग्री, एंग्री जीत सकता है, एंग्री जीत सकता है। दोनों की मेडिकेट खत्म हो गई थी यार, दोनों की मेडिकेट खत्म हो गई, उसको वन टैप पड़ गया था वो पानी में, इसको भी यहाँ वन टैप पड़ गया था, दोनों की मेडिकेट खत्म थी। जोंटी भाई मोदी जी आए सुपर चैट दे के वापस क्लेम करके भाग गए। मेरे में भी आया था एक दिन कोई क्लेम करके चला गया, बेशरम इतना खुश हुआ मैं उस दिन। हाँ वही 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 मैं भी वही खुश हुआ, फिर बाद में देख रहा हूँ भाई बंदा फेक सुपर चैट दे रहा है, मैं कहा भाई ऐसा मत करो यार। गाइस इंडिया एक 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 बस एक एक वन टैप और मार दे इंडिया और यहाँ पे जीत जाएगा एंग्री। एंग्री बहुत बढ़िया खेल रहा है मेरी जान, दिल खुश हो गया भाई एंग्री। और दोनों को पड़ी है लेकिन इस बार गॉडज़िला ज्यादा डैमेज है, कर सकता है एंग्री कुछ। एंग्री वेस्ट फटी हुई है एंग्री तो हो गया रिचार्ज उधर से, गॉडज़िला भी पूरा चार्ज है भाई। एक वन टैप होते है बस एंग्री, ये गेम ही अपना हो गया, एक वन टैप। क्या एंग्री यहाँ पे वन टैप मार पाएगा? अरे पड़ रहा है लेकिन वो छोटा सा पड़ रहा है, 62 का पड़ा है पर बहुत छोटा सा। बैरल का डैमेज बहुत कम कर दिया गया है, नहीं अभी हो जाएगा ये अपडेट के बाद।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 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 देख रहे हो कितना सा भी मौका नहीं दे रहे, इतना सा भी मौका कि अगर मैं दिख गया तो मेरे मार देगा। और क्या ही तो ग्लू वॉल लगा रहे, एक भी ग्लू वॉल ऐसी नहीं लग रही है कि हल्का सा कमर भी दिख जाए। और ये देखो, नहीं तो पता था इधर से पड़ सकती है तो बॉल लगा दी। पता होगा ना इतने से मतलब इधर से ही आने वाला है तो उससे पहले गोली चला देते हैं और वो वन टैप भी लग जाती है। पूरी कोशिश है, लास्ट सर्कल तक फाइट आ रही है। जब लास्ट सर्कल में एकदम होता है ना कि अब चिपक के खेलना पड़ेगा तभी जाके वो गेम पूरा निकलता है, उससे पहले और एक गोली और। अरे भाई एंग्री ने भी दिया गंदा, बराबर ही है। गए भाई, गॉडज़िला ने वापसी कर ली। 6-5 6-5 6-5 6-5। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, अभी भी अपन दो एक पॉइंट की लीड पे ही है। हो जाएगा, भाई, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी जुड़ा हूँ गॉडज़िला जो है, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। क्या डिलीट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉन स्टॉप भाई लाइव देख रहे हैं। हैशटैग एंग्री कर दो यार, तो देखना भी चाहिए भाई, उन्हीं के गिल्ड का बंदा खेल रहा है। एंग्री बढ़िया खेल रहा है शिवम। अरे भाई नॉन स्टॉप भाई कहाँ से लाते हो, गजब खेल रहा है बंदा। देखो पीसी तो ठीक है पर तुमने मोबाइल का सितारा बनाया यार, ये दिल खुश कर दिया यार। मोबाइल वाले प्लेयर तो यार मेरे दिल को जीत जाते यार, मोबाइल में अगर ऐसा गेम है तो। आ गया वापस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला वन टैप डेजर्ट ईगल का आएगा, देखते हैं ये वाला वन टैप डेजर्ट ईगल का आएगा। दोनों के पास नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, गॉडज़िला के पास यूजेड आई है, वो हो सकता है लास्ट सर्कल तक पहुंचते हैं तो हो सकता है मुझे तो आवाज ही नहीं आई थी। वो बॉल लगाने से पहले गोली चलाता है और फिर बॉल लगती है। कोशिश पूरी जारी, हो सकता है वन टैप। नहीं हाँ भाई आवाज आवाज आवाज, क्या ही तो पीक को ये लोगों ने। नहीं नहीं लेफ्ट से नहीं एंग्री भाई, लेफ्ट से नहीं, ये गलती मत करना दोबारा, चांस नहीं देगा वो। लेफ्ट पीक तो गलती से मत देना, जो लेना है राइट से। हाँ आपने राइट से लो भाई, पर एक बात है अनलिमिटेड में कितना पेशेंस करना पड़ता है प्लेयर को, कितना पेशेंस करना पड़ता है, मतलब कि वो लास्ट तक आएगा और तो सर्कल छोटा होगा तब लड़ेंगे। लिमिटेड होता तो अब तक तो वॉल वुल तोड़ के रश करके खत्म कर देते हैं, अनलिमिटेड में कितना पेशेंस से खेलना पड़ता है। राइट राइट नहीं 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 लेफ्ट से नहीं भाई, लेफ्ट से भी दे दिया भाई, लेफ्ट से भी दे दिया हेडशॉट, क्या बात है। हैशटैग एंग्री एंग्री इन द चैट गाइस, कमाल खेलें। और आज एंग्री देखा है, वादा करते हैं कि जेरोक्स भी लेकर आएंगे भाई। एंग्री भाई यार, भाई साहब दोनों तरफ से अच्छा अच्छा गेम हुआ, लेकिन एंग्री भाई यहाँ पे कमाल करते हुए बाजी मार ली भाई 7-5। हाँ एक ही तो शायद, या देखते हैं पूछ लेता हूँ एमजे से, बैक कर लिया क्या उन्होंने? हाँ दोनों ने बैक तो किया है। अरे बहुत एंग्री और दो बंदे ट्राई करता होगा, अगर तुमने बोला था 2v6 अभी देखता हूँ, अगर 2v6 हो पाता तो करवा दूंगा। जेरोक्स सुन, हाँ जेरोक्स आएगा, जेरोक्स खेलेगा, पक्की बात है जेरोक्स खेलेगा, बेस्ट ऑफ थ्री है ना, वो तो बैक कर लिए। एंग्री भाई, एंग्री वर्सेस किलर कराओ, किलर 1v1 अभी मना कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मैं थोड़ा 15 पे हाथ सेट कर रहा हूँ। उस दिन भी वो 13 प्रो मैक्स पे आया था, 15 पे हाथ सेट कर रहा है, जैसे उसका 15 पे हाथ सेट हो जाएगा फिर वो आ जाएगा। जो भी गाइस देयर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक बंदा कह रहा है ये एंग्री नहीं है, पागल बना रहे हैं। अभी आ जाएगा यार, अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। सर आपको आपको किसने बोला है पागल बनने? अगर आपको नहीं लग रहा है कि वो एंग्री नहीं है तो चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन आईडी में आऊंगा तो वो आ जाएगा गाइस, डोंट वरी। और भाई दी भाई मेरे भाई, जो भी भाई को ये लगता है कि एंग्री नहीं है, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, वी आर नॉट इन इंडियन सर्वर, वी आर इन पाकिस्तान। ये देखो रिक्वेस्ट भेज दी उसने सर्वर में।
वी आर इन पाकिस्तान, ठीक है, तो पाक सर्वर में खेल रहे हैं। अगर आप बोलोगे ये एंग्री नहीं है, ये एंग्री को आईडी प्रोवाइड कराई गई है ताकि वो पाकिस्तान के सर्वर में खेल सके। फिर से देख ले, जो नकली वाला है, ठीक है, ये पाकिस्तान सर्वर में खेल रहे हैं अपन। बुरीराम वसाना बेस्ट रशार है इंतावाल्ड सर, आएगा वो भी आएगा बुरीराम वसाना। इतना गंदा नेट एंग्री का, अरे एंग्री का नेट नहीं, एंग्री का पिंग नहीं चल रहा है भाई, वो पाकिस्तान सर्वर में गया कितनी बार। ये देखो अपन इंडियन सर्वर में नहीं है, वी आर इन पाकिस्तान सर्वर मेरे भाई। ये देखो टक्कर तो दी है, टक्कर तो दी है भाई गॉडजिला ने। हां गॉडजिला भी आ रहा है, एक मिनट में। एंग्री को किसके साथ वर्सेस करवा, किसी के साथ वर्सेस कराओ भाई, ये तो रहा वर्सेस, तुम्हारे साथ अभी वर्सेस कराऊंगा गाइस, रुको एंग्री का लुल करा लुल भाई चैट पे कमेंट करता। अरे यार अभी रुक जा, मैं तेरे को बुला ही लूंगा यार, मॉड दे देना। ओके जियान नहीं खेलेगा, जियान अभी वर्सेस नहीं करेगा, करेंगे वो धीरे-धीरे करेंगे गाइस। जियान आज छुट्टी पे है, जियान आज छुट्टी पे है, जियान आज छुट्टी पे है। गॉडजिला आ गया है गाइस, आ गया, आ गया सब, गॉडजिला आ गया, स्नाइपर छोड़ के। बिकॉज़ गॉडजिला तो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, वो थोड़ी वन टैप प्लेयर है। पर भाई फिर भी स्नाइपर चार बस्टर छोड़ के, भाई पर फिर भी यार वो ई-स्पोर्ट प्लेयर है, फिर भी उसने अच्छा वन टैप मारे यार। उसने क्या टक्कर दी है भाई उस बंदे को। अभी कराता हूँ प्रिंस भाई, अभी 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 4v4 भी करवाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई चलो, देखो अब मैं क्या करता हूँ, एंग्री भी लाइक, अब चलो देखो मैं अब क्या करता हूँ, तुमने कैसे बोल दिया मैं नकली हूँ। इस बार गॉडजिला मेरे ख्याल से लेगा MP40 या UMP। ज़ूस को भी बुलाना, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, पूरा लिस्ट नोट कर लिया एमजे ने। रॉकी भाई के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, ये मत करना भाई क्योंकि भाई आपको पता है कि माफियास का कमबैक कब कब है, नहीं अभी तक तो इस बारे में कोई इन्फो नहीं है। 7 तारीख को बोला था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुमित यार अच्छा खेलता है, देखो सुमित अच्छा खेलता है, वो पीसी में खेलता है, मैं पीसी प्लेयर नहीं देखता हूँ, मैं मोबाइल प्लेयर देखता हूँ। मैंने एंग्री को देखा है, इसके बाद जूस को देखूंगा, जेरोक्स को देखूंगा, ये सब मोबाइल में जो खेलते हैं वो मेरे लिए ज्यादा ऊपर है पीसी से। पीसी वाले देखो वो अपना कंटेंट बनाते हैं, उससे वो उस पर खेलते हैं, अच्छी बात है, पर मेरे लिए तुम्हें पता है मैं ई-स्पोर्ट वाला हूँ, तो मैं मोबाइल वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और मोबाइल वालों को ही ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए इन्होंने क्या लिया सामने वाले, सामने वाले ने भी बैरल लिया, वुड पैकर बैरल भाई। अब मेरी बात मान लो, अब एंग्री फॉर्म में है, अब एंग्री फोड़ेगा क्योंकि अभी उसका हाथ फूल गया है, गर्म हो गया, अब तुम देखना है अब एंग्री फोड़ेगा, पिंक का इशू तो है जोंटी भाई, हमारी नॉर्मली एक तो भाई साहब क्या दिया, हमारी नॉर्मली जोंटी भाई 150 के करीब चल रही है पिंक, तो समझ सकते हैं बॉल के पीछे था और फिर भी उसको वन टैप पड़ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, अब इसका हाथ गरम हो गया है, अब ये मारेगा भाई। मैं तो सोच रहा हूँ सर ये इंडियन सर्वर में मैच होता तो क्या हशर करता ही है। मैं बोल तो रहा हूँ अब ये मारेगा गाइस, अब एंग्री मारेगा, अब चाहे कुछ हो जाए, अब हाथ गरम है, अब ज्यादा वोल वूल वाला गेम नहीं खेलेगा, अब वोल वूल वाला गेम गया बाढ़ में, अब सीधा गोली सिर पे हेडशॉट, ज्यादा खुश मत हो, मजाक फ्री फायर वाले हैं हम, पैन से ही मार देते हैं, हेडशॉट हेडशॉट सीधा हेडशॉट किस किस ने देखा गाइस वाला? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे यार रोगी भाई तुम बहुत पीछे हो यार, फ्री फायर की बेस्ट रील है वो, तुम्हें सेंड करूंगा मैं उसको। चढ़ के मारेगा भाई, चढ़ के, अब नहीं रुकता। पिछला गेम टाइम पास के लिए था, आप जल्दी जल्दी खत्म करने वाला गेम है भाई साहब। अब ये बंदा चढ़ के मारने की सोच भी रहा है। बिल्कुल यार, आप मुझे दिखा देना कौन मोबाइल प्लेयर है, अगर कोई मोबाइल अच्छा मोबाइल प्लेयर है तो मेरे को दिखाओ यार, मैं पक्का देखूंगा। मोबाइल प्लेयर होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए।
एंग्री प्राइम गॉडज़िला लाजवाब ये डिस्टेंस में एक मीटर की डिस्टेंस भी नहीं होगी उतना में गॉडज़िला ने हेड मारा है भाई गजब यार गॉडज़िला भी अच्छा दे रहा है थोड़ी देर पहले एंग्री ने देखा रील देखी नहीं थोड़ा फंस रहा है प्लेयर इसका हाँ लाल आ जाता है उसके नीचे पिंग हाई तो है यार वो तो देख रहा है बट ठीक है नो एक्सक्यूज ये देखो अटका भी था प्लेयर इसका क्या कर रहे हैं ये दोनों अरे स्क्वाड मैच नहीं है भाइयों नहीं भाई चलो एंग्री ज्यादा इस बार लगा ही नहीं रहा बोल इस बार सीधा ही फिर गया 1-2 हो सकता है गाइस इंटरनेट का इशू एनएक्सटी स्पाइडर देखो यार अगर स्नाइपर वो है तो क्या कहते हैं पीसी है तो मत बोलो यार पीसी मैं नहीं देखता हूं मोबाइल प्लेयर और मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब भी पीसी को कम देखते हो मोबाइल को ज्यादा देखते हो इसलिए मोबाइल एक बंदे का प्रोफाइल नेम है चर्सी लोंडा भाई पहले गेम का क्या हुआ पहला गेम एंग्री जीत गया ओके तू क्या मैच देख रहा था कैसे अरे वो मेरी प्रेडिक्शन देख रहा था नेट गया नेट चला ही नेट ही चला गया रीस्टार्ट कर रहा होगा हां उसका आया रोकी भाई कल के दिन में मैचेस होंगे देखते हैं ब्रो मेरा तो शायद फ्री फायर मैक्स का प्रमोशन है क्योंकि मैं ना अपन तो उसका शायद प्रमोशन है तो उसका शायद बंडल वंडल लाया है तो उसका प्रमोशन के लिए लाइव करूंगा मैं अच्छा कब कल दिन में रहता है तो फिर कल हम बंडल वंडल के प्लेयर्स को ट्राई कर लेंगे ठीक एमजे का कम्युनिकेट कर लेंगे आपसे भाई गॉडज़िला भाई मैं तो देखो अभी थोड़ा सा वो मतलब गरीना के प्रमोशंस में थोड़ा बिजी रहूंगा एक दो दिन फ्री फायर वाले जनाब है हम अभी क्या वाले जनाब है शेयरी कर दें बिना गन के ही फीस से बंदे मार देते हैं खच भैया भाई लेजेंड है वो आदमी जिसने वो रील बनाई है 1 मिनट हां क्या कह रहे थे जनाब मैं सुन नहीं पाया मैंने बोला अभी पाकिस्तान पब्लिक भी जानना चाहेगी क्योंकि हमें भी थोड़ा सा रहता है कि इंडिया में फ्री फायर वापस आ रही है नहीं आ रही तो उस चीज को लेकर कल आ रही है कुछ न्यूज क्या दे सकते हैं आप अभी तो देखिए कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कोई लेजिट न्यूज है नहीं अगर कुछ होगा तो FF इंडिया के पेज से ही बताया जाएगा तो ई-स्पोर्ट के रिलेटेड कुछ होगा कि लाइक अभी टूर्नामेंट्स भी काफी कम पड़ गए हैं मतलब लाइक हाँ। पहले बहुत सारे मैचेस खेलते थे पाकिस्तान के साथ टीम्स अभी बहुत कम हो गए हैं वो उस चीज को लेकर भी हाँ थोड़ा सा मतलब मसला है लाइक पीसी क्लाइंट्स का भी इशू रहता है हमारे रीजन में थोड़ा सा और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ऑफिशियल्स तो है नहीं जब तक नहीं 360 डिग्री अपना जो पीसी क्लाइंट है वो मतलब अभी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है बेनिफिट्स जो है वो बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा है अभी इशू जब तक गेम नहीं आता तब तक ये थोड़ा सा इशू रहेगा ही रहेगा देखते हैं अभी होप फॉर द बेस्ट कितना दिन भरोसा किया था थोड़ा और भरोसा करके देख लेते हैं भाई इस बार एंग्री ना वो वाला गेम नहीं खेल रहा ज्यादा बॉल लगाने वाला और मौका दे रहा है इसका पता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मौका अभी मुझे लगता है कि गॉडज़िला को आपकी वो बात पहुंच गई है आप इतना ओपन में जाके हां सारे जब से डबल टैप में आए हैं एंग्री के लिए मुश्किल हो गया अभी नहीं वो सही है वो एक्चुअली देखिए हर प्लेयर का अपना अपना स्ट्रेंथ रहता है तो मैं समझता हूँ गॉडज़िला को अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए ही डोंट नीड टू प्रूव कि वन टैप भी लगा सकते हैं जाहिर सी बात है आप ई-स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हर तरीके से आप सक्षम है हर तरीके का गेम आता है आपको व्हाट आई फील दैट गॉडज़िला को अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए लाइक एंग्री अपने स्ट्रेंथ पे खेलें वो भी अपने स्ट्रेंथ पे खेलें कोई दिक्कत नहीं है अभी एंग्री वैसे ई-स्पोर्ट खेल रहे हैं आई थिंक फुल मैप खेलते हुए मैंने देखा हां एनजी से तो खेलते हैं जी एनजी से तो खेलते हैं इनका शायद सिल्वर ईगल टीम है उसमें से खेलते हैं कई बार लाल दिया गया है गॉडज़िला का हेलमेट लगभग गायब कमबैक हो सकता है एंग्री का इस पर्टिकुलर राउंड में मुझे ऐसा लग रहा है
पैक तो है, निकलेगा तो सही जोंटी भाई। गॉडज़िला ने अपने आप को हील करने के लिए ही वहां पे पैक किया। ये तो जोन का वो हो गया क्या? नहीं, मुझे लग रहा है श्रिंक के ऊपर डिपेंड हो गया हीलिंग बैटल। और अगर ऐसा होगा तो एंग्री को फायदा मिलेगा। 3-2 आई मामू, हेलो स्ट्रेंजर। मेडी खत्म हो गई थी ना गॉडज़िला की। अपडेट ऑन फुल मैप टूर्नामेंट भाई, मेरे को जब तक पीसी क्लाइंट नहीं मिलेगी तब तक मैं तो नहीं कर रहा टूर्नामेंट, सीधी बात। भाई टूर्नामेंट के लिए तो गाइस मैं खुद प्यासा हूँ। कब होंगे टूर्नामेंट, कब मैं वॉच पार्टी करूँ, कब मैं यार गालियां दूंगा प्लेयरों को यार। ब्रो आपका सोचना सही है, बट इससे पब्लिक गॉडज़िला को हेट देगी स्पैमर बोल के। जो हेट दे रहे हैं वो बेवकूफ है, अगर कोई देता है तो। स्पैमर क्या होता है, वन टैप तो गॉडज़िला भी दे रहा है। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, 4-2 पर थोड़ा सा एंग्री को वो भी हो रहा है यार, इंटरनेट का इशू हो रहा है। हाँ वो दिख रहा है, वो पिंग कई बार उसका फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरा भी पिंग आई जा रहा है, मेरा भी 150 पिंग जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इशू तो हो ही रहा है। ये वाले मैच एक ही सूरत हाल में फेयर करवाए जा सकते हैं दोनों तरफ से। जोंटी भाई अगर सिंगापुर में दोनों खेलें, मतलब इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम, इंडियन प्लेयर या पाकिस्तानी प्लेयर, जब सिंगापुर में खेलेंगे दोनों का लगभग 50 या 70 के करीब पिंग चलता है। अभी तो 160 सिर्फ इकलौता है। भाई मार सकता है इसको, मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है। एंग्री भी अब शुरू हो गया। मैं भाई वही कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है वो शिष्टाचार की कि सिर्फ हेडी मारना है। जीत या हार मायने रखती है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो। सही कर रहे हैं गॉडज़िला भी और सही खेल रहे हैं एंग्री भी, बढ़िया। 5-2 एक गोली गया था यार, 26 की एचपी बची है, सिर्फ 26 की। नहीं नहीं मेरी एंग्री से बात हो गई थी, टू शॉट अलाउ है तो वो एंग्री भी मारेगा और वो भी। वही 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 टू शॉट अलाउ रखना भी चाहिए। रॉकी भाई बस यूट्यूबर ही खेल सकते हैं क्या, हम नहीं खेल सकते हैं क्या? भाई देखो पहली बात, मेरे को तो पता नहीं आप किस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को नहीं पता कौन से यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। मैं भी यूट्यूबर हूं, मैं तो नहीं खेल रहा। मैं भी नहीं खेल रहा, देख रहा हूं। और ये टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं एमजे, उसका तो यूट्यूब चैनल तक नहीं है। चलो यार एक काम करेंगे गाइस, जितने मोबाइल प्लेयर है ना 5-6-7-8 7-8 बंदों को क्वालीफाई करेंगे, 1v1 करवाएंगे और देखते कौन जीतता है, तुम्हें भी मौका मिल जाएगा। ब्राजील में करवाओ, वहां सबका फिक्स रहता है। पागल हो क्या? ब्राजील में 250 का पिंग होगा। मौका और रेल। अरे जॉडी भाई बहुत कम हेड पड़ रहे हैं, 42 बहुत छोटा हेड पड़ रहा है। गया इस बार गॉडज़िला ने भी हेडशॉट से खत्म किया। 26 बहुत छोटा हेड पड़ रहा है यार इसका। एंग्री को आदत नहीं है टू शॉट की। हाँ, आदत डालनी पड़ेगी ब्रो, आदत डालनी पड़ेगी, नहीं आदत डालनी पड़ेगी। टास्क तो देखो, गेम हमेशा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखो आप यहां तक खेल लिए, अब इसके बाद क्या, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। अब जैसे अपने वाले हैं FFIC के लिए पहले कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद वो कोशिश करेंगे एशिया लेवल पे जाने की, फिर वर्ल्ड लेवल पे जाने की, ठीक है? वो तो रहता ही है, टास्क तो करना ही पड़ेगा। गेम आया था इससे भी मैंने पूछा था एंग्री से, भी बोला गेम आएगा तो फिर मेरे को टीम अच्छी टीम देखूंगा, और फिर उसका भी सही है यार, पीसी प्लेयर हो तो फिर FFIC आ रहे मत सोचो, अगर नहीं है तो फिर ट्राई करो, ट्राई करने क्या जा रहा है, नहीं हुए तो फिर तो है ही। ऐसे प्लेयर चाहिए भी स्पोर्ट्स में, जंटे तेज तर्रार खूंखार खिलाड़ी चाहिए भी। वो भी ऐसे उठाता, तुम्हें पता है नेपाल का वो रोहित था। हाँ हाँ रोहित ड्रैगो, सेम ऐसे उठाता, सेम पिंग आई है। हाँ इसीलिए बोला है बॉडी वोडी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि वो लग नहीं रहा है और पिंग का इशू भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। दोनों ने बोला है कि हाँ
बॉडी बॉडी मारेंगे तो चले यार। रोहित शर्मा मार्केट में अफवाह फैला रही है कि आप नेक्स्ट सीजन एमआई से निकल रहे हो। ऐसा इमीडिएट तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। रोहित और ड्रैगो शायद मुझे जितना याद आ रहा है शायद मैंने उनको देखा था पहले जिस टीम से खेलते थे वो तो पहले टूबी भाई की टीम से खेलते थे या इससे एनएक्सटी से ही थे वो पहली बार यहाँ आए थे तब मैं ही उनको सबसे पहली बार लाया था इस सर्वर में फिर मजा आ रहा था देखने में उन दोनों को। उनका एक और स्नाइपर भी था व्हाट वाज हिज नेम स्टॉकर या स्ट्राइकर स्टॉलकर था उनका स्नाइपर में वो याद है अच्छे से वो उसी के साथ खेलता था वो भी बढ़िया था बहुत बढ़िया। उनको बाद में एरो वाले ले गए थे ना शायद जोंडे भी एरो वाले ले गए थे बाद में किनको स्टॉलकर को ले गए थे और ये रोहित तो उसमें चला गया था टीजी में चला गया था ड्रैगो भी टीजी में चला गया था पर टीम बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम टीजी बहुत अच्छी टीम हो गई थी टीजी की तब डिलीट था माफिया था रोहित था ड्रैगो था मोजी भाई थे बाला था ये टीम थी अच्छी का फिर वो नेपाल का सर्वर पर मेरे को लग रहा कहीं ना कहीं फ्री फायर इंडिया आएगा तो नेपाल का सर्वर नहीं होगा मर जाए फ्री फायर इंडिया मतलब इंडिया यार उनमें नेपाल का सर्वर नहीं आएगा सिर्फ इंडिया का क्या हुआ गॉडजिला कुछ क्या ग्लू वॉल दो मुझे अच्छा ग्लू वॉल मांग रहे ग्लू वॉल खरीदना भूल गए थे अरे बाप रे जॉन्टी भाई भाई साहब ये अच्छा भाईचारा दिखाया दोनों ने सुप्रीम था स्नाइपर हाँ सुप्रीम भी था स्टॉकर भी स्नाइपर ही था स्टॉकर भी स्नाइपर ही था सुप्रीम भी था हाँ सुप्रीम था ड्रैगो के आने से भाई टीम बहुत मजबूत टीम हो गई थी भाई मेरे को इंद्रो भाई के लिए बड़ा बुरा लगा था इंद्रो भाई पहले वाइटलिटी में जब गए जॉन्टी भाई तो चारों प्लेयर वो खेल मंडप ईस्पोर्ट से लेकर गए बाद में चल के जब सर्वर अलग हो गया तो उन्होंने वो लाइनअप रिलीज कर दी और दीपू आइजन वो लोग जीत गए ओ भाई इंद्रो भाई बोले यार क्या ही बोलू इतनी अच्छी टीम बनाई हमने उन्होंने क्रेडिट भी दिया था कि इंद्रो भाई से बहुत कुछ सीखा हमने वाइटलिटी का मैनेजमेंट भी अच्छा था नहीं कुछ भी बोले झंडे मजे तो तभी आते थे जब बांग्लादेश नेपाल और इंडिया एक सर्वर था भाई तुम देखना ना अभी जब ईस्पोर्ट आएगा क्या इमोशन लोगों जुड़ेगा आपने सुना अभी वो पाकिस्तान के कास्टर भी कह रहे थे कि यार हम भी कंसर्न रहते हैं इंडिया का ईस्पोर्ट्स आए तो भाई मजा है देखने मैं तो कहूँ पाकिस्तान को भी एक कर दो सर्वर में मजा आ जाएगा एशियाई रीजन के सारे श्रीलंका भी एक कर दो जितने और ऑडियंस भी बढ़ेगी गेम का हाइप भी बढ़ेगा ऑडियंस भी बढ़ेगी सजेशन है भाई कोई ये मत कहना गद्दार रॉकी पाकिस्तान को एक करने की बात करता है हमारे यहाँ पे बहुत फैनेटिक है भाई नहीं यार ऐसा ये राउंड और जीते बराबर हो जाएगा कसम से आएंगे ये वाला राउंड हाँ ये राउंड अगर जीता लास्ट राउंड में मजा आ जाएगा मुझे लग भी रहा है एंग्री निकाल लेगा जोंडे भाई ये राउंड निकाल लेगा आराम से सिर्फ लेफ्ट पीक ना दे अब थोड़ा वैसा खेल रहा है नहीं लेफ्ट पीक से मार देता है बंटा लेफ्ट पीक से उसका बंटा अच्छा है देखा मैंने पर ये है कि पहले बॉल लगा के नहीं खेल रहा था पहले पूरा ओपन खेल रहा था अभी बॉल लगा के पूरा प्रॉपर खेल रहा है कि मैं पीक नहीं दूंगा और अब डबल टैप भी ऑन है ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेफ्ट पीक अगर देता है कहानी खत्म और दो की वेस्ट है सर एंग्री पे आप देखो दो की वेस्ट है गॉडज़िला पे चार की है तो चार की वेस्ट कैसे आई मैं तो तीन की वेस्ट रखा था पता नहीं जो भी है भाई गया दो की वेस्ट होने का डिसएडवांटेज वो लगा जल्दी टाइम है निकल जाएगा क्या बात है क्या तेजी है भाई बॉडी आएगी इसमें तो लेफ्ट से ही आएगा वो आना है तो लेफ्ट से ही आएगा अरे यार चूक कर गया लेफ्ट राइट लेफ्ट से ही आना लेफ्ट से ही आएगा वो लेफ्ट ही आना था
कोई नहीं, बढ़िया भाई, एक एक हो गया भाई साहब। अरे यार भाई जी जी यार जी जी स्पैम रेडी रेडी हाँ हाँ स्पैम लिख दे अलाउड 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 हाँ क्योंकि वो पूछ रहा है मेरे साथ खेलो प्लीज ब्रो मैं ना सबका कस्टम करवाऊंगा गॉडजिला गाइस हैशटैग गॉडजिला लगा दो यार गॉडजिला ने ये राउंड जीता यार हैशटैग गॉडजिला और बहुत जबरदस्त खेले हैं भाई अगर एंग्री के लिए लगाते हो तो भाई गॉडजिला के लिए भी लगाओ यार किंग कोहली अरे बहुत गलत टीम में मैं तुम्हें पता मैं चाहता हूँ कोहली एक बार ना एक या दो या तीन बार किसी भी बार संन्यास से पहले बोले एक बार ना चेन्नई सुपर किंग में ट्राई करे ट्रायल और फिर चेन्नई सुपर किंग की टीम में जाके थर्ड नंबर पे आए गाने रोने की जगह किसी की जगह आए और फिर एक बार जीत के जाए और चके जीत का स्वाद कैसा होता है गेम में क्योंकि इधर रहेगा तो नहीं जीत पाएगा यार इधर तो इधर बहुत मुश्किल है यार उसका जीतना इधर इधर तो जीत ही नहीं सकता वो देखो अगर 400 रन लग गए तो बॉलर खा जाएंगे और अगर पहली बॉलिंग आ गई तो फिर बॉलर 300 रन खा गए तो वो गड़बड़ है यार इसलिए नहीं हो सकता फाफ डुप्लेसी चल नहीं रहा है बेचारा मैक्सवेल चल नहीं रहा है और कौन है रावत खेल नहीं रहा है दिनेश कार्तिक कैमरन ग्रीन तो मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही गलत स्वाइप हो गया इधर हाँ कैमरन ग्रीन मेरे को ऐसा समझ नहीं आता कि जैसे पंजाब पे गलत गलत नाम के प्लेयर आके भी जिता रहे हैं आरसीबी में गलत नाम के प्लेयर से क्यों नहीं जिता पा रहे यार कोई गलत नाम का कोई ऐसा मैं तो कहता हूँ अगली बार आरसीबी जब जाए तो रैंडम ही उठा ले किसी को भी क्या पता कोई कुछ करे मुझे लगता है कोहली को विद ड्यू रिस्पेक्ट आरसीबी छोड़ के दिल्ली की कप्तानी ले लेनी चाहिए दिल्ली की टीम का भी हाँ दिल्ली की टीम का भी भला हो एक लोकल होम पब्लिक का भी इमोशन मिलेगा फैन सपोर्ट मिलेगा और भैया दिल्ली भी नहीं जीती है ये बात मेरी याद रखना फैन आरसीबी के फैन बने थे सिर्फ डिविलियर्स और कोहली की करके डिविलियर्स जा चुका है कोहली और चला गया तो आरसीबी के फैन खत्म हो जाएंगे याद रखना डिविलियर्स भी तो दिल्ली से ही आए थे पहले दिल्ली में ही थे मानो मेरी बात अरे भाई साहब रियान दाफिक किलर एंग्री की टीम को लेके 44 कर दो भाई मैं एक एक किसी दिन करूंगा भाई अच्छी कोशिश कर 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 स्पैम कर स्पैम अलाउड है मेरे हिसाब से जॉन्टी भाई फेयर लगे अनफेयर लगे बट स्पैम इसीलिए अलाउ करवाना भी जरूरी था आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों का नेट जा रहा था दोनों का नेट जा रहा था कोई मतलब ही नहीं है फिर ऐसे में समझ ही नहीं आती कि भाई नतीजा क्या निकल रहा है मैच के स्टार्टिंग में एंग्री का नेट नहीं चल रहा मैच के स्टार्टिंग में कई बार गॉडजिला का भी नहीं चल रहा है एनएक्सटी स्पाइडर देखो मोबाइल है ब्रो बिल्कुल थोड़ा रिएक्शन जब वीडियो करूंगा तब मुझे बताना कौन कौन मोबाइल प्लेयर है तो मैं देखूंगा और मैं बात कर लूंगा ठीक है वार्नर पे पैसे लगाए हार गया चार का वेस्ट अनफेयर मैं तो समझ रहा हूँ चार का वेस्ट जॉन्टी भाई अपने ने तो कस्टम में कुछ छेड़खानी भी नहीं की पता नहीं मेरी जान क्या पता नहीं मैं खुद कंफ्यूज हूँ चार का वेस्ट आ कैसे गया क्योंकि वो तो कस्टम से ही हटा दिया था हमने चल कोई नहीं गेम है तीन का वेस्ट इसके पास है चार का उसके पास है समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है गोली ओ भाई बहुत ज्यादा लाल है भाई तो बहुत लाल था बहुत लाल रेड्डी साहब कहते हैं आरसीबी इज नॉट अ टीम इट्स एन एम्पायर कोहली रहे ना रहे नहीं यार विद ड्यू रिस्पेक्ट रेड्डी भाई मैं देखो किसी पर्टिकुलर टीम का तो सपोर्टर नहीं हूं बट इस चीज से आप अग्री करें ना करें फैक्ट तो है कि कोहली अगर आरसीबी लेफ्ट करते हैं तो फैन फॉलोइंग कम से कम 40% कम हो जाएगी मानो नहीं मानो दिनेश कार्तिक को देखने के लिए या फिर दयाल को देखने के लिए या करण शर्मा किसको देखने के लिए फाफ डुप्लेसी को फैक्ट तो है कोहली अगर हट जाएगा तो फैन फॉलोइंग गिर जाएगी इसमें तो है बात तो है इसमें अब सीएसके में भी धोनी भाई है धोनी के जाते ही वहां पे भी फैन फॉलोइंग गिरेगी चेक कर लो आधे से ज्यादा बंदे मैच कम देखने जाते हैं और धोनी की बैटिंग ज्यादा देखने जाते हैं
CSK सर CSK के फैंस को तो हार जीत से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको चाहिए कि बस धोनी भाई बैटिंग कर ले, तो तुम समझ जाओ ना कि वो CSK क्या है भाई, इंटरनेट बहुत जा रहा है भाई तो। कुछ भी बोलो जोटे भाई, इस बार स्टार्ट सबसे खतरनाक लिया है केकेआर वालों ने भाई, वो सुनील नारायण क्या मार रहा था, ये एंग्री जैसे मार रहे हैं भाई, जैसे एंग्री मार रहा है वैसे सुनील नारायण ने मारा था उस दिन, कुछ हो गया था उस दिन उसको गाइस भाई, 6 ओवर में 80 रन, 6 ओवर में 88 रन, मजाक चल रहा है भाई, बॉलर आके मार के चले जा रहे हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, क्वालिफाई करेगी तुम्हारी केकेआर कर देगी और CSK तो पक्का पक्का करेगी, उसके बाद तुम्हारी राजस्थान करेगी और करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मुझे जीटी भी नहीं, जीटी का भी नहीं लग रहा और आरसीबी का भी नहीं लग रहा, पंजाब का भी नहीं लग रहा और मुंबई का भी नहीं लग रहा, मुझे मुंबई पे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, वो लास्ट में कमबैक कर ही लेते हैं, मुंबई लास्ट में कर लेती है, ये तो है, क्या पता ये पहला मैच कमबैक ही हो, कमबैक तो है ही सर, 235 रन कौन चेज करेगा इनमें, अरे तो सामने है अभी तो दिल्ली, अभी मैं बोलता हूँ सीएसके जैसी टीम होती दुबे मारता आगे पता है, अरे गॉडज़िला एक नंबर, गॉडज़िला भी अपनी जगह भाई, बता नाम, नाम के मुताबिक है, दिल्ली की टीम में ना जोंडे मुझे ऐसा लगता है सामने वाली टीम ने 200 रन मार दिए ना, दिल्ली चेज ही नहीं कर पाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, दिल्ली नहीं कर पाएगी, दिल्ली में क्या है कोई नहीं है, वार्नर है बस, उसको ना पंत का इतना चल रहा है, वार्नर अब बहुत ज्यादा बॉल कैरी करता है क्योंकि उतना फिटनेस नहीं रहा है, और पंत है थोड़ा बहुत चला देते हैं बस, हां चला रहा है पंत भी, 30 ओवर में 30 हो जाते हैं, मिचेल स्टार्क्स नहीं चल रहे, फिर वो क्या नाम है स्टब्स नहीं चल रहा, बैटिंग तो है ही नहीं, फिर उससे अच्छे तो पंजाब की बैटिंग है, उसमें हां उसमें नए नए लौंडे आके मार जाते हैं और धवन कंसिस्टेंट स्टार्ट दे देता है, धवन कम से कम स्टार्ट अच्छा देता है, रात को किसका आएगा मैच, जीटी और एक और कोई टीम है, अच्छी कल खतरनाक मैच है CSK और KKR भाई, कल बहुत खतरनाक मैच है गाइस, कल मैं लाइव ही नहीं आ रहा, कल मैं आऊंगा लाइव तो दिन में, मैं आ ही नहीं रहा तेले ने के भाई, कल का मैच बहुत खतरनाक है भाई, इतना सा भी नहीं दिख रहा ना, वो दिख रहा है ना ये दिख रहा है, इतना सा भी अगर वो दिख रहा हो कि सामने वाला प्लेयर गोली चला रहा है, गॉडज़िला इंटरनेट बहुत हो रहा है बहुत ज्यादा भाई, आप बंगाल से हो कि गुजरात से, मैं गुजरात से हूँ बट भाई KKR अच्छा खेल रही है तो अच्छा नहीं बोले जॉन्टी भाई दिल्ली से है भाई, वो खुद कह रहे दिल्ली नहीं कर पाएगी भाई, अरे भाई स्पास से हेड मारा भाई, हेड मारा यार, माफिया कब खेलेगी, 7 तारीख हो गए अब सर, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया माफियाज का, मैं सूरत से हूँ भाई, गुजरात से, प्राउड गुजराती भाई, रॉकी भाई लिख के ले लो CSK ट्रॉफी लेकर जाए, ये बहुत मुश्किल है भाई बोलना, नहीं मेरे को इस बार लखनऊ सुपर जायंट राजस्थान, लखनऊ राजस्थान दो लगती है मेरे को ये इस बार का, ज्यादा चांसेस राजस्थान के, पास का वन टाइम मार दे एक और मजा आता है, एंग्री यार नेट इतना फंस रहा है ना, इसका हेलमेट नहीं है गॉडज़िला का, दिया नहीं होगा, वो भूल जा रहा है बेचारा, जो भी है ये मौका है एंग्री के, इस बार बैरल पड़ी अगर हेड पे जोंटी भाई काम एक तमाम, एक ही में खत्म हो जाएगा, एक ही में बस, कनेक्ट करने की देरी है, राइट साइड से निकल के, नहीं मैं बांग्लादेश से देख रहा हूँ, अच्छी बात है ब्रो, वेलकम ब्रो, ये देखो तुम, ये बांग्लादेश से आप देख रहे हो ना, अभी तो मैं एक बेस्ट चीज दिखाता हूं, देखो ओए कमाल है भाई गॉडज़िला, और इस बार 4 की वेस्ट तो एंग्री पे भी थी फिर भी बच गए, 4 की वेस्ट तो इसको भी मिली है इस बार, प्राइम नाम सही डाला है एंग्री प्राइम,
बहुत सही नेम डाला इसने। गॉड भाई गॉडजिला एक नंबर। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू टू। सब्सक्राइब कर लीजिए फिर। हैकर शॉट मार रहे दोनों, हैकर शॉट, हैकर शॉट, हैकर शॉट मार रहे हैं। हैकर एकदम भाई सिर्फ वो दिख रहा है। देखो नल्लब भाई यार कोई जीते ना, नल्लब पर रेड्डी जी आप खुद कह रहे हैं एलएसजी आरआरसीएसके और केकेआर आएंगे इस बार, तो फिर आप क्यों बोल रहे थे जॉन्टी भाई को कि जॉन्टी भाई ऐसा गलत मत बोलो, आरसीबी इज इमोशन एंड ऑल दैट। भाई इमोशन है मानते हैं, लेकिन जो फैक्ट है उसको कैसे डिनाई कर दें। मैं भी गुजरात से हूं लेकिन मुझे पता है जीटी में इस बार वो प्लेयर ही नहीं है जो निकाल के लिए। गॉडजिला पीक ले रहा उसकी पीक ले रहा है, जंप ले लेके देख रहा है कहां 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 है। और यहां पे एंग्री भाई, यू कैन डू इट मैन, कर सकता है एंग्री। तीन दिन हुए अभी ले, और लेफ्ट पिक नहीं, लेफ्ट पिक नहीं, एंग्री ले जाता है ये राउंड। हाँ पढ़ने वाली है, बच गया, सही टाइम पे नीचे चले गए भाई आराम से। भाई क्या बोल लगाते हैं भाई, कट है, कट 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 मोबाइल में चीजें बोल। भाई कितना टू फिंगर खेलता है ना, लगता तो है एंग्री कर सकता है बहुत इजी, बहुत इजी। क्या यहाँ पे एंग्री मार, ओए ओए छोटा सा हेडशॉट है, बहुत छोटा सा हेडशॉट है, डैमेज भी बहुत कम आई है, बहुत छोटा हेडशॉट है, आराम से निकाल दे, मौका दे रहा है गॉडजिला को, गॉडजिला को मौका दे रहा है आराम से। एक चीज देखकर अच्छी जो लगी भाई, फिर स्पास चिपका दी, दोनों में से किसी ने नाइन ही नहीं ली है। अरे वो बंद है ना। अच्छा करेक्टर एबिलिटीज ही बंद कर दी, अगर होती तो हो जाता है, अगर करेक्टर एबिलिटीज होती डेफिनेटली लेते। एसआरएच है लेकिन एसआरएच में बॉलिंग उतनी खास नहीं है गाइस यार, पिट सकते हैं अगर आगे जाके कोई टीम फॉर्म में आ गई ना अच्छी, जैसे भी केकेआर वगैरह आ गई सामने तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एसआरएच का भी मैच केकेआर से नहीं हुआ और किससे नहीं हुआ, राजस्थान से हो गया। नहीं एसआरएच का पहला ही मैच केकेआर से था, चार पांच रन से हारे थे भूल गए, वो क्लासन लास्ट में मिस कर गया। चार रन से हारे थे, वही कह रहा हूँ अगर सामने अच्छी टीम आ जाएगी तो हमारे यार क्या दिया भाई 5-3। मेरी जान एंग्री, गजब शॉट दिया भाई, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री भाई, एंग्री भाई ने क्या मारा एंग्री प्राइम, लालम लाल गुच्छा। 5-3 दो राउंड और एसआरएच, एसआरएच भी है, ये पहला मैच है नहीं लास्ट मैच है, लास्ट थोड़ी देर देख लो, लास्ट मैच है, लास्ट मैच जनाब, लास्ट मैच है। मेरे भाई क्या लगता है कौन जीतेगा, गॉडजिला या एंग्री? एंग्री एंग्री ऑलवेज एंग्री भाई, जैसा स्क्रिप्ट में जो लिखेगा वही होगा, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये वाला वन टैप आएगा गाइस, ये वाला वन टैप, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गॉडजिला, सही खेला। ये बात तो ये तो सोचा भी नहीं होगा एंग्री ने कि ट्रोगन लेके आ जाएगा, बट हर गन अलाउड है, पहले ही कही गई थी हर गन अलाउड है, ठीक है। ज़ेरोक्स द फास्टेस्ट मोबाइल प्लेयर इन द वर्ल्ड ब्रो, मैं उनका भी करवा दूंगा धीरे धीरे होगा सबका, अभी मेरी एंग्री से अच्छी बात हो रही है, एंग्री भाई से खेलते हैं, एंग्री भाई के साथ, एंग्री भाई का पहले अच्छे से वर्सेस करवाते हैं, किलर कर लेगा, दाफी कर लेगा, जियान कर लेगा, 2v2, 2v3, 2v4, 2v6, जो भी आप बोलोगे वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा कौन जीतेगा, जेटा के जाजवाज जीपीएल? बंदा कह रहा है अगर फाइनल में चेन्नई गई तो चेन्नई जीतेगी क्योंकि फाइनल चेपॉक में होगा। ब्रो एक बात बताऊं,
ग्राउंड और पिच से ना फर्क पड़ता होगा, लेकिन माइनर सा असली फर्क पड़ता है खेल से, स्किल से, ठीक है? ये भूल जाओ भाई, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये तो है। कोई अगर बोल दे अपन मैच इसीलिए हार गए क्योंकि टॉस हमने नहीं जीता था, मुझे लगता है ये बेवकूफी है। अनलेस एंड अंटिल बारिश होने वाली है और आपको पता है कि डकवर्थ लुईस में आपको चांस मिलेगा, वो अलग चीज है। इस बार एंगल ने भी ले लिया ट्रोगन, भरेगा ट्रोगन का हेड मार दे तो मजा आ जाए। ट्रोगन से है, लगते तो हैं जॉन्टी भाई, लेकिन रेट ऑफ फायर भी घटा दी गई है इस बंदूक की बहुत ज्यादा। साइबर इसका रे, अरे इसका वो भी 12 एमओ तक से सही रहती थी ट्रोगन अभी, और इसका टाइम भी कम कर दिया। ओ भाई दे दिया गॉडज़िला 5-5। इसमें नहीं जीत सकता क्योंकि यार एक ई-स्पोर्ट प्लेयर को ना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ट्रोगन और ये सब चलानी आती है, तो इसमें जीतना बहुत मुश्किल है। गाइस जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो गाइस। 15 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे, सिर्फ 15 सब्सक्राइबर। उस ग्राउंड में ट्रेविस हेड ने भी पीटा था फाइनल में भाई, फाइनल तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद में चेपोक में कहां हुआ था फाइनल। 5-5 गाइस, 5-5 यारी उस्ताद को बुलाओ पाकिस्तान से, यारी उस्ताद एमजे को संपर्क भाई मैं एंग्री को जानता हूँ, और किसी को नहीं जानता भाई। एंग्री देख के तो वन टैप देगा, बहुत हो गया एंग्री अब बस। अरे ये कैसे मिस हो गया शॉट, बॉडी लगी, मतलब मिस नहीं हुआ बॉडी लगी, हेड मिस हो गया। एंग्री मैं नहीं जानता किसी और को, मैं तेरे को जानता हूँ एंग्री, बस ये यहाँ पे कार्यक्रम करके दिखा पटा, नहीं है हम पे है, नो हम पे भी है। जैसे ही बैरल लगाएगा फिर जंप करके स्विच करके वापस ड्रैगन, अच्छी रणनीति है। ऐसे ठीक है, मौका नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है यहां पे। बहुत बढ़िया ये गोली चल रही है कि आवाज, मेरे को लग रहा है, मेरे को तो आवाज भी नहीं आई इस बार, तो चली बोल के लगी भी नहीं मुझे। लेफ्ट पिक नहीं, हाँ लेफ्ट पिक गलती से भी नहीं देनी है, लेफ्ट पिक दी है तो ई स्पोर्ट्स एथलीट है वो, उसको अच्छे से पता है कैसे फंसाया जाता है। ट्रोगन भर देगा पूरी की पूरी एक बार में, ये शॉट हल्का सा मिस हुआ। मैडी 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 डैमेज ही हुआ यार वो बंदा, डैमेज तो नहीं। एंग्री ये मौका था, ट्रोगन भरेगा, ट्रोगन भरेगा ये। दोनों तरफ से चल तो रही है, अरे फंसा दिया उसको, अरे जीत गया भाई गॉडज़िला 6-5 एक्सीलेंट ब्रो। ट्राई तो करा था पर वो थोड़ा सा जोन आ गया। एंग्री ग्रेनेड ले लो और कोई देखो, बहुत स्पैम कर, नहीं यार ग्रेनेड तो नहीं है सर, क्या बात तो कर दी, 3 साल से देख रहे आपको भाई, अगर इतनी बोल तो नहीं आपको सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, आप नहीं जानते अलग बात है। अरे नहीं नहीं हमीफ भाई ऐसी बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने करके रखा है उनकी तो छोड़े, वो तो अच्छे हैं, वो तो दिल के करीब हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो साले गरीब हैं दिल के। उससे याद है एक बार चेक तो करो कितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया कितनों ने नहीं, साले सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं कमीने। तो पढ़ने लगे थे फिर एकदम से
एंग्री सब्सक्राइब कर दे भाई, मेरे को कितना लैग दिख रहा है। लैग छोड़ो, मेरे तो नजरों में नहीं समा रहे दोनों, चश्मे आ जाएंगे ऐसे में। कितना लैग दिख रहा है मेरे को 20 भाई। वैसे हम दोनों में पता है एक और खास बात है, ये चीज मेरे को पता नहीं थी, मेरे को ये चीज बताई गई थी मेरे को इस बूट कैंप में, बोले आप और जॉन्टी भाई आप दोनों की इतनी एज हो गई लेकिन दोनों में से किसी को चश्मा नहीं है, ये चीज नोटिस नहीं किया हमने। बाकी एथलीटों को देखो, पहाड़ी का तो आपको पता ही चश्मे भाई, और हमारे हल्का दिखता पर हमारे यहाँ पे सास्के को बिना चश्मे कुछ नहीं दिखता, पहले बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिखता सास्के को, कुछ भी नहीं दिखता। हाँ नहीं मतलब पहले बचपन में नहीं थी, जब से खेलने लगा तब से। भाई मुझे क्यों लग रहा है ये एंग्री इसको मारेगा और ये खेलते होगा। लेट्स सी, क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं जोन तो इसके कब्जे में ज्यादा है, गॉडज़िला के कब्जे में है, जोन ज्यादा है। लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। भाई हो गया काम, हो गया काम, और जीत गए हैं यहाँ पे गॉडज़िला। एसकेडी गेमर वेरी वेरी बिग शाउट टू यू। रैंडम प्लेयर का मैं एमजे को बोलूंगा, एमजे चेक करेगा तो फिर जो भी रैंडम मेरे को अच्छा दिखेगा मोबाइल प्लेयर। हाँ लेकिन रैंडम में मोबाइल प्लेयर चाहिए, पहले बता रहे हैं गाइस, फालतू की जिद मत कीजिएगा कि उस पीसी प्लेयर को बुलाओ, क्योंकि पीसी प्लेयर्स का सिर्फ अपन देखेंगे स्क्वाड में। तो गाइज इसी के साथ ये मैच तो खत्म, एमजे से पूछ लेता हूँ और मैचेस है कि नहीं, अपन भी जाएं। भाई ये बंद कर लेता हूँ ना, तुम मेरा आईडी पास देख गए तो। लेट्स वोट फॉर ज़ेरॉक्स वर्सेस गॉड। गॉड कौन है अब भाई? फेसबुक से लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? मुझे जब भी ये कमेंट करते है ना ट्रैगन, अभी पता है जॉन्टी भाई वो जीत गया कुछ फैंस अपसेट हो गए, कहते ट्रैगन का नूबड़ा। अबे ट्रैगन का नूबड़ा क्या होता है भाई? अरे नहीं यार गाइस, इंटरनेट का इशू था। ओए हाँ हो गया गाइस, कोई नहीं रहा था। चलो भाई लोग हम तो इजाजत लेंगे, तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल तो गरीना प्रमोशंस हैं तो कल तो लाइव पे आ जाइएगा, मस्त बूम बाम गेम प्ले करेंगे, और फिर परसों होगा वापस शेयर इंटरनेशनल मैचेस या व्हाट्सएप, तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए आपसे और जॉन्टी भाई से लेंगे विदा, देखेंगे आज रात का मैच भी कितना अच्छा होता है। अभी दिल्ली भी वैसे अच्छा खेल रही है, 9 ओवर में 90 रन जड़ दिए उन्होंने। चलिए।